रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी अच्छा ये बताओ कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो लाइक उसका वो सही था उसका क्वालिटी सही थी ठीक है अच्छी बात है ठीक है तो इन्होंने क्या इन्होंने क्या कहा भाई मेथड तुम ऐसे ही यूज़ कर सकते हो तुम गेट ऐसे यूज़ करते हो यूर एंड इसके बाद कॉन्फिगेशन डिलीट कॉन्फिशेशन ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो ठीक है हम सारे देखेंगे कैसे करते हैं तो बेसिकली एग्जॉस का मतलब सबको समझ आया क्या करता है एग्जी एग्जीज का मतलब बस ये है कि कोई ए पी आई हम इससे कॉल करते है। को HTTP request हैं कोई हम एग्जॉस से एच टी टी पे रिक्वेस्ट भेजते हैं एच टी टी पे रिक्वेस्ट मतलब जैसे ये है ना यहाँ पर तुम ऐसा एंटर मार रहे हो ये जो चल रहा है ये ये कर रहा है ये क्या कर रहा है ये एच टी टी पी रिक्वेस्ट भेज रहा है ठीक है अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ मैं इसको कॉपी करता हूँ इस वाले को कॉपी करता हूँ ठीक है पोस्टमैन ओपन करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर इधर नया गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ मैं मैं इसको पे पेस्ट करता हूँ एंड मैं सेंड करता हूँ ठीक है तो मुझे पता क्या आएगा इसको आने दो देखो ये क्या आ रहा है मुझे कोई एच पूरा एच आ रहा है ठीक है देख लो पूरा एच आ रहा है कुछ अगर मैं इसको प्रिव्यू करूँ तो पता क्या आएगा तो ये देखो क्या आ रहा है तो तुम समझे axios करता क्या है बेसिकली axios रिक्वेस्ट भेजता है किसी यूआरएल पे एंड यूआरएल जो होता है बैकएंड जो होता है बैकएंड मान लो या सर्वर मान लो ठीक है सर्वर तुम्हें चीज़ें लाइक like, सेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ए पे क्या भेजना है उसे ठीक है और फिर उसमें कुछ भी चीज़ आ सकती है चाहे तो तुम उस पर वेब ब्राउजर पूरा का पूरा वेबसाइट भेज सकते हो ठीक है लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए तो हम सिर्फ जे डेटा भेजते हैं जैसा कि हमने कल एक ए में देखा था है ना यहाँ पर जब हम ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे लाइक सी 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 ऐसा ऐट द रेट डॉट कॉम हमने एक आई बनाया ठीक है लास्ट टाइम हम, हमने कुछ डाला हम लॉग इन करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आएगा वेलकम सी 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 यू आर क्रिएटेड एट दिस ठीक है इसका मतलब क्या है कि हमने लॉग इन से हमने कोई ए रिक्वेस्ट भेजी जो कि गया बैक एंड पे ठीक है बैकएंड ने हमें एक रिस्पॉन्स uh, भेजा कि भाई तेरा हमने यूज़र क्रिएट कर दिया है इस पर्टिकुलर यूज़र पे हमने इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे हमने तुम्हारा यूज़र क्रिएट किया है ठीक है तो ये क्या ये बैकएंड से हमने रिस्पॉन्स लिया है हुँ। तो हमें इतना मालूम चला कि हम बैकेंड से तो हम रिस्पॉस ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं वो भी हमने पता कर लिया कि एग्जॉस से ले सकते हैं ठीक है अब एक बार एक्जॉस का हम सिंटैक्स वगैरह दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या किया था ठीक है देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आगे कैसे बढ़ेंगे हम एग्जॉस के अंदर और चीज़ें करेंगे हम फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टेट जैसे ही उसका नाम है यूथ इफेक्ट ठीक है वो पढ़ेंगे हम देन उसके बाद तुम्हारा रिएक्ट का इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का जितना भी सीन है लाइक जो भी करिकुलम था वो खत्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद तुम्हारे तो पास कुछ और बचेगा नहीं हम्म तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें सिर्फ सी करना है ठीक है बढ़िया करके एकदम चीजें यूज करनी है ठीक है तो फॉर्म इन डेप्थ पे थे हम तो जेंगो तो भाई बैक एंड है ना तो हम बैक एंड शुरू करेंगे रिएक्ट तो खत्म हो जाएगा ना फिर है ना रिएक्ट खत्म हो जाएगा जैंगो शुरू करेंगे ठीक है तो तुम देख लो क्या सीन है एक्जिज को हमने इम्पोर्ट किया ठीक है एग्जिया को हमने इम्पोर्ट किया हमारे पास एक यू था एल हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया ठीक है पोस्ट रिक्वेस्ट क्या क्या चीज़ें देता है पोस्ट रिक्वेस्ट एक यूआरएल लेता है और एक डेटा लेता है वो या तो मल्टी पार्ट में हो या तो मल्टी फॉर्म डेटा मल्टी पार्ट में हो या फिर वो जेसॉन बॉडी में हो है ना हमने जेसॉन बॉडी देखा था जेसॉन बॉडी कैसा होता है जेसॉन बॉडी हमारा कुछ इस टाइप का होता है जो कि गायब हो चुका है इस टाइम पे। दिखा देता हूँ जेसॉन बॉडी किस टाइप का होता है मेरे पास कोई पड़ा होगा कोई सिंपल सा नहीं है यूज़र अकाउंट अकाउंट देख लेते हैं ठीक है ये देखो ये होता है नॉर्मल जेसॉन एक यू आर एल होता है उसके अंदर तुम फर्स्ट नेम के अंदर ने ने आगे वो लिखते हो एंड देन कॉमा डालते हो सेपरेट करने के लिए ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट टाइप है ठीक है बस उसको हम जेसॉन बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली जेसॉन क्यों बोलते हैं क्योंकि जेसॉन क्या चीज़ है एक लिखने का तरीका है जेसॉन जो कि बहुत लगभग सारी लैंग्वेज में हम यूज़ कर लेते हैं ठीक है जेसॉन में मैं ऐसा लिखते दिखाता हूँ हाँ जी आनंद कर लेता हूँ भाई जेसॉन् टेस्ट है तो जेसॉन को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो पता चलेगा क्या दिख रहा है हमें जिस आ रहा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन नोटेशन होता है लिखने का तरीका हम किस तरह से लिखते हैं ठीक है डेटा ए इंटरचेंज फॉर्मेट इजीली ह्यूमन टू रीड एंड राइट ठीक है इट इज़ ईजी फॉर मशीन टू पार्स ठीक है तुम देख रहे हो क्या है जेसॉन इज एन ओपन स्टैडर्ड फाइल ठीक है इतना आ, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है ठीक है अब मैं यहाँ लिखता हूँ विच Languages use JSON ठीक है तुम दिखोगे कौन कौन सी करती है सी सी C# प्लस सी जावा लिप्स पर्ल पी एच पी पाइथन रूबी इतनी सारी लैंग्वेज इसके अलावा तुमने इनमें से कुछ तो सुनी भी नहीं होंगी और जितनी सुनी होंगी सारी इसमें होंगी है ना तुम देख रहे हो जेसॉन कितना बढ़िया यूज यहाँ कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है ये तो हम इसलिए जेसाउंड यूज़ करते हैं हर हाँ जगह पे ठीक है तो जेसाउंड का जैसे ही नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करते हैं बट अगर तुम्हें पोस्टमैन में स्पेसिफिकली लिखना हो या फिर तुम्हें किसी और ऐसे ऐप में लिखना हो जहाँ पर जेसॉन्ड पार्सिंग होती है जे पार्सिंग मतलब जहाँ पे हम ऐसा जेसॉन्ड देते हैं ठीक है कोई लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं कोई एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें जैसे क्या होता है जावस्क्रिप्ट में तो हम बिना ऐसा बिना कोर्ट्स के भी काम कर जाते हैं ना बिना ऐसा बिना कोर्ट्स के लिखेंगे तो भी काम कर जाता है लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करता राइट यहाँ पे ये यह ऐसा काम नहीं करेगा यहाँ पर एरर करेगा हमें इसके लिए इस जगह के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा वो अभी तुम्हारा यूज़ का नहीं है बस मैंने बता दिया इन केस तुम करो कि भाई सर ने तो ऐसा बताया था बिना उसका यहाँ पर चल नहीं रहा कितने गंदे सर ठीक है बता रहा हूँ मैं कुछ जगहों पर लैंग्वेजेज में चल जाता है बेसिकली लैंग्वेजेस में भी चलता आई आईडी जो होता है ना आई में काम होता है ठीक है एक मिनट रुकना मम्मी मैं गेट बंद कर रहा हूँ आवाज़ें बहुत आ रही हैं डिस्टर्बेंस हो रही है काफ़ी okay. हवा के लिए नहीं जो भी है मैं वैसा वो कर रहा हूँ आवाज़ एक प, उसकी प्लेटों की आवाज़ कभी कुछ कभी कुछ बहुत आवाज़ आ रही हैं बंद कर दो आप बस ओके आई एम बैक ठीक है तो बेसिकली क्या सीन होता है ठीक है तो हमने क्या देखा हमने देखा कि भैया हम जेसौन देते हैं ठीक है हमने देखा कि हम स्टेट यहाँ पे जो हम चीज़ें बना रहे थे लाइक like बेसिकली जेसॉन कहता जावास स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन राइट तो जावास स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे कोई ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं तो ये पक्का जेसॉन होगा है ना इतना तो हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं ना कि अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो ये वो होगा एंड देन हमने इसको फॉर्म डेटा में डाल दिया ठीक है तो इसका मतलब मेरा जो फॉर्म डेटा है इस टाइम पे वो क्या है वो जेसॉन है ठीक है तो ये सब छोड़ो इन शॉर्ट पोस्टमैन क्या करता है सॉरी पोस्टमैन का एग्जी क्या करता है एग्जीस रिक्वेस्ट भेजता है या तो वो पोस्ट भेजेगा ठीक है रिक्वेस्ट चार पाँच टाइप की होती है मेन बहुत सारी टाइप्स की होती है मेन तुम्हारे पास सिर्फ ये चार है गेट पोस्ट पुट या पैच पुट यूज़ कर लो पैच यूज कर लो एक ही चीज़ है ठीक है डिलीट ठीक है गेट से होता है डेटा लेना बैक एंड से टू गेट डेटा फ्रॉम बैक एंड पोस्ट होता है टू गिव डेटा टू बैक एंड वी बॉडी बॉडी के अंदर जेसॉन हो सकता है या फिर फॉर्म ये या तो फॉर्म डेटा हो सकता है ठीक है पुट टू अपडेट द डेटा गिवन टू अपडेट डेटा बाय गिविंग डेटा टू बैक एंड वी आर बॉडी या पार्ट फॉर्म ठीक है जेसॉन या पार्ट बॉडी uh, ये फॉर्म डेटा ठीक है पुट पैच क्या होता है पुट पैच तो अपडेट बताते हैं डिलीट क्या होता है डिलीट करना है डेटा को बैक एंड से तो हम पोस्ट डिलीट करते हैं ठीक है तो तुम्हें इतना पता चला कि मेथड्स हम कौन कौन से करते हैं ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हुँ? अब हम बात कर लेते हैं एग्जीज के सिंटैक्स की ठीक है हम इस पर्टिकुलर जगह पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम पोस्ट की बात करते हैं हुँ? पोस्ट का मतलब होता है डेटा देना ठीक है डेटा हमें हमें पता है कि पोस्ट होगा तो कहीं ना कहीं डेटा जा रहा होगा तो हम डेटा कैसे देंगे हम एग्जी के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में डेटा देंगे मतलब कॉमा पहला आर्ग्यूमेंट आएगा यू आर उसके बाद हम कॉमा डालेंगे उसके हम सेकंड यूआरएल हम सेकंड डेटा देंगे जिसका नाम आएगा जिसका मतलब है ये जिसका मतलब है जेसॉन डेटा या फिर फॉर्म डेटा ठीक है दोनों दो के दोनों चल जाएगा दोनों ऐसे ही देना पड़ेगा तुम्हें ठीक है बाकी आ जाते हैं हम डॉट देन का मतलब क्या है डॉट देन का मतलब है इसके बाद ये चलना चाहिए ठीक है एंड डॉट देन से क्या डॉट देन करता भी क्या है जो भी ये रिस्पॉन्स देता है ना जो भी ये चीज़ रिटर्न करता है ठीक है तुम देखोगे जब मैं इसको नॉर्मली चलाता हूँ तो मुझे बैकहेंड में कुछ रिस्पॉन्स आता है ठीक है तो वो रिस्पॉन्स मुझे कैच करने के लिए मैं ऐसा डॉट देन यूज़ करता हूँ ठीक है मैंने इसको ऐसा कैच कर लिया ठीक है एंड देन मैं देखूंगा कि मैं इसके अंदर नॉर्मली डेटा यूज़ कर सकता हूँ ठीक है तुम देखोगे थर्टी फोर में मैंने रिस्पॉन्स को लॉक किया है ठीक है तो आप देख लेते हैं हमारे पास जब हमने इसको ऐसा लॉग इन दबाया था ठीक है लॉग इन दबाया जाए तो मेरे पास बैकहेंड से क्या रिस्पांस आता हमने है हमने लॉक किया हुआ है रिस्पांस को ठीक है हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं कौनसोल पर तुम देखो कि थर्टी फाइव एक रिस्पॉन्स आया हुआ है वो ये आया हुआ है ठीक है वो हमें स्टेटस कोड दे रहा है वो हमें रिक्वेस्ट दे रहा है कि तुमने कौन से किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजी तो तुम देखो कि यहाँ पर एस हमने एग्जामल एस रिक्वेस्ट अपलोड भेजा ठीक है ठीक है रिस्पांस आया कुछ ऐसा ठीक है रिस्पांस टेक्स्ट कुछ ऐसा आया हमें इसका ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट में डेटा रिक्वेस्ट के अंदर हमें हम बहुत ही मतलब कभी कोई इन्फॉमेशन देखनी हो तुम्हें तो तुम रिक्वेस्ट में जाओगे वरना तुम नहीं जाओगे ठीक है ना तुम कॉन्फ्क में जाओगे ना तुम कहीं जाओगे तुम्हें सिर्फ डेटा चाहिए होगा ये जो तो डेटा आ रहा है ना डेटा डेटा चाहिए होगा डेटा के अंदर तो तुम देखोगे भैया तुम्हारे पास है क्रिएटिड एट ई मेल फर्स्ट नेम आई डी एंड लास्ट नेम ठीक है क्रेडिट हम तुम देखोगे यहाँ पे हमने तीन चीज़ें भेजी ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमने भेजा क्या क्या यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन चीज़ें भेजी हैं सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें वो तीन है ई मेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है रिक्वेस्ट पे लोड का मतलब होता है क्या हमने भेजा क्या है वहाँ पे ठीक है रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हमने भेजा क्या है कौन है एक्सेप्ट कर लो मीट के लिए अच्छा भावेश है ठीक है तो कहते हैं तो तुम देखोगे हमने सिर्फ तीन चीज़ें भेजी लेकिन मुझे रिस्पॉन्स में तो मुझे ज़्यादा चीज़ें हैं रिस्पॉन्स में मुझे दो चीज़ें ज़्यादा आई तो ये बैक एंड गए है ना तो मैं तो खुद से ऐसा कुछ फंक्शन लगा नहीं रहा हूँ जिससे ये दो चीज़ें हैं है ना तो इसका मतलब कोई और चीज़ है जो कि यहाँ पर कर, काम कर रहा है वो है बैक एंड ठीक है बैक एंड ने तुम्हें कहा कि भैया क्रिएटेड क्रिएटेड एट ये एंड तुम्हारा आई ये है ठीक है तो हम क्या करेंगे तो तुम देखोगे कि ये चीज़ मुझे रिस्पॉन्स में आया है तो तुम देखोगे कि हम एक नॉर्मली कैसे पकड़ सकते हैं तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर तुम जाओगे डेटा के अंदर डेटा के अंदर तुम्हारे पास सारा डेटा होगा ठीक है तो हमें इतना क्या हमें इतना समझ आया कि पोस्ट एग्जॉस्ट से हम डेटा बैकएंड को भेज सकते हैं कैसे भेज सकते हैं इसका सिंटैक्स ये है इसके अलावा तुम और कोई चीज़ यूज़ नहीं करोगे सिंटैक्स इसका यह है इतना समझ आया अभिजीत इसमें अभी तक कोई दिक्कत कोई तू कोई देखो बोलेगा कि भैया मुझे को इस पर्टिकुलर बैकएंड में इस पर्टिकुलर यू आर एल पर तुम मेरे को डेटा भेज के दिखा तो भेज देगा डेटा ये बताओ ठीक है अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया तो उसको कैच कर लेगा रिस्पॉन्स को पकड़ लेगा तो रिस्पॉन्स लॉक करा सकता है रिस्पॉन्स यूज़ कर सकता है ठीक है तो अब एक्सियोस में आपको इशू हो तेरे को हुँ. कौन बताएगा लड़कियों में से कोई बताएगा साक्षी तू तो बता हेलो, साक्षी अभिषाफ सेट रेस्ट डेटा क्या चीज़ है ये बता ऐसे अभिजीत को बता चल मैं तेरे लिए इजी कर देता हूँ इसको ये रहा यहाँ पे इनिशियलाइज किया मैंने इसको स्टेट समझ आया था अभी से को तो तेरे को ये नहीं पता ये क्या होता है तेरे देखो स्टेट समझ आया था समझ आया था ये पूछा है मैंने देखो पता है ये क्या होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेव करता है ठीक है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है हम्म हम्म ये है ना ये जो है ये अविशा भाई कौन कर अपना बात कर मुझसे स्टेट समझ आया को लेकिन देखो ये नहीं पता ये चीज़ क्या होती है क्या समझ आया को स्टेट में रुक जाओ आप यहीं रुक जाओ सानी का तो माइक ओपन कर अपना दिवानशी देखो समझ आया ये चीज़ दिवान्शी माइक ओपन उप... माइक ऑन करो अपना आफरीन माइक ऑन ऑन करो अपना तीन डॉट का मतलब क्या है क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे अगर स्प्रेड करूंगा तो क्या होगा मेरे साथ नहीं तुमसे जो पूछा था तुमने वो नहीं बताया आफरीन क्या हुआ क्या हुआ भूल गए कल ही तो बताया था ये दोबारा ब्रेक से पहले ब्रेक के बाद यूज़ करके दिखाया था एग्ज़ाम्पल दिखाया था तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा भी था इसको कहाँ अजीब चीज़ें स्प्रेड डॉट जी एस यहाँ पर किसने बताया कहां से पता किया तूने अभी तक तो आता नहीं था देखो बता देते तुम्हें। मैं तुम्हें क्या गलत आंसर देने पे मारता हूँ क्या तुम्हें आंसर नहीं देने पे मारता हूँ मैं तुम्हें जब मैं बोलूं माइक ऑन करने को माइक ऑन कर लिया करो ऑफ मत करा करो फिर ध्यान रखना इन चीज़ों को जिसके आगे भी सेट हो उसका मतलब है कि वो मैं ऊपर कहीं सेट मैंने बना रखा है ठीक है तो वो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी रिस्पांस आया ना मुझे मैंने उसके अंदर रिस्पांस डॉट डेटा जो है उसके अंदर जो रिस्पांस उस रिस्पांस के अंदर जो डेटा है मेरे पास रिस्पांस ये आया ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ये आया रिस्पांस मेरे पास उसके अंदर जो डेटा है वो मैं ये, मतलब ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ अपने उसमें अपने रिस्पॉन्स डेटा वाले ऑब्जेक्ट में अपने रेस्ट डेटा में यहाँ पे इसमें डाल रहा हूँ अब मैं ठीक है ताकि मैं उसको नीचे कहीं यूज़ कर सकूँ बाद में अपने ऐप में कहीं यूज़ कर सकूँ इस वजह से मैं डाल रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है ठीक है बाकी कैच का मतलब सबको समझ आया यूज़ करना आया हो या ना आया हो कैच का मतलब समझ आया कैच क्या करता है कैच अगर कोई एरर आएगा तो हम तो वो उसको हम कैच कर लेते हैं कोई एरर आएगा तभी हमारा कैच रन होगा वरना रन नहीं होगा एरर वो कैच कैसे करता है कुछ स्टेटस कोड होते हैं जो कि बैकएंड देता है अगर वो स्टेटस कोड आया तो ही एरर देता है वरना वो एरर नहीं देता ठीक है बाकी हमने कल सीखा था कि हम सेट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं ठीक है सेट हम जो भी चीज़ हमें करना हो हम अलग से बनाते हैं एंड देन हम उसमें सेव कर देते हैं ठीक है तो ये था फॉर्म एग्जियोज का रिवीजन अब तक एग्जिय के बेसिक कॉन्सेप्ट में सिंटैक्स में किसी कोई इशू ठीक है मैं अब यहां पे इस पर्टिकुलर फाइल में तो मैं से बताऊंगा हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करने वाला है के अंदर ठीक है तुम एंड देन उसके अंदर हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट ठीक है यूज़ इफेक्ट थोड़ा सा लाइक ऐसा कोई टिपिकल नहीं है ठीक है बहुत ईजी है बहुत मस्त है ठीक है एकदम मतलब पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगी अगर तुम्हारा दिमाग तेज़ होगा तो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे लिए इतनी सारी आ जाएंगी कि भाई ओ माई गॉड हम ये भी कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं ठीक है बेसिकली यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट ये सब तुम डायनेमिक वेबसाइट से बनाते हो जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हें कोई बढ़िया चीज़ बनानी है जैसे कि तुम्हें आ, कोई सोशल मीडिया बनाना है तब तुम ये चीज़ें यूज़ करोगे नॉर्मल ऐसा लाइक सिंगल पेज एप्लीकेशन में जिसमें तुम्हें सिर्फ डेटा ही डेटा शो करना है जो सालों साल तक चेंज नहीं होगा उसमें तुम ये चीज़ें नहीं यूज़ करते उसमें तो खैर तुम बैकहेंड भी यूज़ नहीं करते ठीक है तो हम एक फाइल बना लेते हैं एक्जीओस यानी गड़बड़ हो जाएगी एक्जीओस फाइल डॉट जे ठीक है तो हम क्या कहते हैं हम सबसे पहले इम, इम, हम पहले तो अपना वही आर कर लेते हैं ठीक है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट एक्जीओस फ्रॉम एक्जीओस ठीक है गलत कर दिया मैंने एक्जीस ठीक है तुम चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो तुम वो यूज़ कर लोगे लेकिन हम वो नहीं करेंगे एक्जीस हम लिखेंगे एग्जीस ही यूज़ करेंगे ठीक है एंड देन हमें चाहिए ये स्टेट स्टेट चाहिए हमें हमें नॉर्मल स्टेट चाहिए तो हम नॉर्मल यू स्टेट ही यूज़ कर लेगा ठीक है तो इतने में आई गेस किसी को इशू आया नहीं होगा है ना तो हम ये काम करते हैं हम एक स्टेट बना भी लेते हैं नहीं रुक जाओ स्टेट नहीं बनाते ठीक है हम क्या करते हैं हम एक बटन बनाते हैं बी यू डबल टी ओवन ठीक है हम एक बटन बनाते हैं जिसके on -click बनाते हैं। on -click on -click, आ, नाम हम एक ऑन क्लिक बनाते हैं ऑन क्लिक क्या करेगा ऑन क्लिक क्लिक करने पर एग्जी कॉल करेगा ठीक है उसका नाम हम रख देते हैं गेट गेट डेटा ठीक है हम एक फंक्शन बनाते हैं ऊपर कॉन्स्ट गेट डेटा ठीक है हमें पता है फंक्शन हम कैसे बनाते हैं हम ईक्ल्सू लिखते हैं हम एरो ब्रैकेट से ओपन क्लोज करते हैं हम यूज़ करते हैं ठीक है थेके? ये क्या है इसको कहते हैं एरो फंक्शन कहते हैं इसको ठीक है एंड देन हम यहाँ पे अभी अकेले कर देते हैं अलर्ट ताकि हम चेक कर पाएँ कि भैया सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही अलर्ट फंक्शन कॉल्ड ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम जाते हैं अपने ऐप डॉट जी एस में ऐप डॉट जी एस में जाते हैं हम हम फॉर्म टेस्ट को कमेंट कर देते हैं हम एक नई चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट एक्जीओस टेस्ट एक्जी ओस फाइल है वैसे तो हम axios फाइल ही यूज़ कर लेते हैं ठीक है axios axios फाइल ठीक है एक्जीओस फाइल हम यूज़ कर लेते हैं एंड हम देख लेते हैं हमारा ऐप चालू हुआ हमारा ऐप चालू हो गया एंड यहाँ पे बटन आ गया जिससे एक फंक्शन कॉल चल रहा है ठीक है तो हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें दिखने लगे ऐप डॉट जियो की अब हमें जरूरत नहीं है हम फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं गेट uh, डेटा एक नाम डाल देते हैं इसका ठीक है तो यहाँ पे गेट डेटा लिखा आ जाए गेट डेटा पे क्लिक करूँगा फंक्शन कॉल लिखा आ जाएगा ठीक है इसको हम ऐसा मज़े में सुंदर बनाने के लिए हम सिर्फ ऐसा क्लास नेम डाल देते हैं कोई बुट की बढ़िया सी क्लास बताओ कोई बताओ भाई आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़ कट गया मैं डिस्कनेक्ट हो गया ठीक है तो इसका मतलब गेट डेटा चल रहा है हम्म गेट डेटा चल रहा है राइट तो हम क्या करते हैं हम ये जो हमने एक ए हमने कल यूज़ करी थी हम उसमें गेट रिक्वेस्ट मारते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही ठीक है थेक्षा? तो अगर किसी को शो हो रहा हो हो रहा है किसी को शो नहीं हो रहा विंडोज़ प्लस होता है शायद हाँ ठीक है अब ठीक है तुम देखोगे तो मेरे पास क्या क्या चीज़ आ रही है तो मेरे पास पेज आ रहे हैं पेज पर पेज टोटल टोटल पेज आ रहा है डेटा आ रहा है ठीक है डेटा आ रहा है डेटा के अंदर तुम्हारे पास आ रहा है आई डी ठीक है डेटा के अंदर तुम्हारे पास आ रहा है आई डी तुम्हारे पास आ रही ई मेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक अवतार आ रहा है ठीक है तो मान के चलो मान के चलो तुम्हारे पास एक बैकहेंड है, है।, है जो कि तुम्हें यूज़र का डेटा देता है ठीक है जो कि तुम्हें यूज़र का डेटा देता है यूजर के डेटा में तुम्हारे पास आई डी आता है तुम्हारे पास ई मेल आता है तुम्हारे पास ठीक है तुम्हारे पास फर्स्ट नेम आता है लास्ट नेम आता है तुम्हारे पास अवतार आता है ठीक है इतने में कोई दिक्कत ये ये हमारे पास बैकेंड से डेटा आ रहा है ठीक है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं आ खो गया यहाँ पे थे हम ठीक है यहां पे थे हम तो अब हमें ये चीज़ यूज़ करनी है लाइक देख लो तुम्हें क्या होता है बेसिकली क्या चीज़ें चलती हैं बैकेंड से तुम चीज़ें लेते हो एंड बैकेंड तुम्हें क्लब करके चीज़ें दे देता है ठीक है तो और हम उसको अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर लेते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं हम सबसे पहले ये जो तो डेटा है ये डेटा लेके हम कोई एक छोटा सा वो बना देते हैं uh, क्या कहते हैं उसको हम छोटा सा अरे माइनस का है ठीक है हम छोटा सा फाइल बना देते हैं जिसमें हम ये चीज यूज कर पाए ठीक है तो हम क्या करते हैं हम बुट्टैप का इस्तेमाल करेंगे बूट स्टैप ओपन करेंगे हम गेट गेट बुटस्टैप पे जाएंगे एंड हम उठाएंगे कोई बढ़िया सा मस्त सा सुंदर सा कार्ड ठीक है कार्ड उठाएंगे हम हुँ? कार्ड के अंदर इमेज है एक टाइटल है जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन नहीं है और हमें एक बटन चाहिए राइट तो हम यही वाला उठा लेते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन हम हटा देंगे क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए ठीक है हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं इमेज की जगह पे हम क्या डालें इमेज की जगह पे हम डाल देते हैं कोई बढ़िया सा इमेज ये डाल देते हैं ठीक है हम इमेज की जगह पे ये डाल देते हैं क्यों डाल देते हैं क्योंकि हम कहीं से भी कोई चीज़ उठा सकते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोर्स के अंदर ये डाल दिया ठीक है क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करना है हमें तो हम क्लास नेम यूज़ कर लेते हैं एक ज़्यादा मार्क कर लेता मैंने क्लास 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 ठीक है इसको जो हम लिखते हैं इसको क्लास नेम ठीक है एंड देखोगे यहाँ पे कोई एरर आ रहा है एरर क्यों आ रहा है ये ओपन करोगे ये क्लोज हो रहा है ये ओपन करोगे तो ये क्लोज नहीं हो रहा है इसका मतलब इमेज कट कट तब प्राउड फील होता है ना मुझे जब कोई ऐसा कुछ बताता है मुझे ठीक है रिएक्ट आप देखेंगे तो क्या होगा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ खाली पड़ा हुआ है रहे, रहे, जा रहे है, स्टाइल प्रॉप्स स्टाइल टैग स्टाइल टैग ये रहा, इसको हम ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं ठीक है ऑब्जेक्ट में डाल दिया हमने इसको हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं क्योंकि हम ऐसे ही यूज करते हैं इसको ठीक है बढ़िया मजा आ रहा है ठीक है सही है गेट्स गो समवेयर है कार्ड टाइटल हमें कार्ड टाइटल नहीं हमें कार्ड डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए राइट हम कार्ड डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं डिस्क्रिमिनेशन हम हटा देते हैं हम इसकी जगह लिख देते हैं एड फ्रेंड ठीक है ठीक है एंड हम पूरे को इस पूरे को डाल देते हैं हम एक डी फ्लेक्स में डीफ्लैक्स में डालने का फ़ायदा हम मल्टीपल चीज़ बनाएंगे तो वो ऐसा कुछ आएगा ओम तेरे लिए बता रहा हूँ मैं ये डी फ्लैक्स में डालना ठीक है ये देख रहे ये ऐसा तीन तीन लाइन में आ गया अब चार पाँच डालते तो पता नहीं क्या होगा ठीक है आ, तो ये हमें समझ आ गया ठीक है हम नॉर्मल अभी तक हमने कुछ नहीं किया हमने सिर्फ बूट स्टाप बनाया ठीक है तो हम अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए कि ये चलो अच्छा ठीक है हमने इसको वैसा बनाया था पहला तो अवतार हो गया राइट ये ऑल्टरनेटिंग अवतार है ठीक है अवतार है ठीक है ऑल्टर का मतलब होता है अगर ये पर्टिकुलर इमेज नहीं है तो हमें क्या शो करना है यहाँ पे लिखने में ठीक है मान लो मैंने ऐसा कुछ कर दिया ठीक है तो मैं सेव करूँगा तो ये इमेज जो होगी ब्रोकन हो जाएगी ठीक है तो तुम देखो कि यहाँ पर अवतार आ रहा है समझ रहे हो तो अवतार के यहाँ पर ऑल्टर का सिग्निफिकेंस यही है कि आपको अगर इमेज का नाम देना हो जब वो प्रेजेंट ना हो तो क्या देना है तो तुम ये देखते हो तुम ऐसा देते हो ठीक है Uh, हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए हमें यहाँ पे आईडी चाहिए राइट ठीक है तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऐड ऐड आई डी वन ठीक है ऐड आई डी वन एज फ्रेंड ठीक है इसका नाम ये रख देते हैं एंड कार्ड नेम में यहाँ पे यहाँ पे हमें चाहिए कहते हैं नेम वन चाहिए यहाँ पे नेम टू चाहिए बेसिकली ठीक है और बाकी इमेज में तो इमेज आएगी है ना तो हमें ये पता है कि हमें ऐसा कुछ चाहिए हुँ. लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए बैक एंड से ठीक है तो हम क्या करते हैं हम थोड़ी सी तिगड़मबाजी लगाते हैं हम एक छोटा सा स्टेट बनाते हैं ठीक है यू स्टेट लिख देता हूँ मैं उसका नाम ठीक है यू स्टेट हम एक यू स्टेट बना देते हैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा ठीक है क्यों क्योंकि हम यूज़र का डेटा ले रहे हैं राइट यूज़र डेटा लिख ले लेता हूँ एंड मैं सबसे शुरुआत में देता हूँ उसको नल ठीक है उसको शुरुआत में देता हूँ मैं नल राइट तो अब क्या करता हूँ एंड मैं ये ये मैं ये मैं अपने दिमाग में फ़ैसला करता हूँ कि यूज़र डेटा विल ऑलवेज बी एरे ठीक है इसका मतलब मैं खुद से ही इसके अंदर एरे ही डालूंगा एरे के अंदर और एरे की जगह और कुछ नहीं डालूंगा ठीक है तो अगर एरे है तो हमारे पास एक बड़ा सही फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मैप ठीक है हुँ. तो हम क्या करते हैं हम यूज़र डेटा डॉट मैप यूज़ करते हैं ठीक है उसके अंदर हम डेटा लेते हैं ठीक है उसको हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न करते हैं ये पूरा जी एस एक्स रिटर्न था जो कि मैंने गलत जगह डाल दिया मुझे डी फ्लैक्स के अंदर डालना ही है कार्ड मुझे एज इट इज़ चाहिए ठीक है तो मैं कार्ड उठा लेता हूँ पूरा कार्ड मैंने उठा लिया एंड रिटर्न करता हूँ मैं कार्ड को ठीक है कार्ड को रिटर्न करता हूँ ठीक है अब मैं देखूंगा तो मेरे पास आएगा एरर ठीक है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड ठीक है अब ये जो तो एरर है तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो ठीक है ध्यान से सुनना इस चीज़ को या तो तुम पहले एक चीज़ कर लो क्या चीज़ है वो तुम पहले कंडीशन लगा दो यूज़र डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो ही यूजर डेटा को मैप करे वो तो ही यूजर डेटा को मैप करे नहीं तो नहीं तो नल कर दे ठीक है नल कर दे या फिर आ, कुछ ऐसा डिव दे दे ठीक है हम ऐसा करते हैं, एक डिव बना देते हैं डिव दे दे कोलन में आता है ये क्यों क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर हमने सीखा था अगर है तो ये करे नहीं तो इफ़ एल्स का मतलब होता है एल्स का मतलब uh, टर्नरी ऑपरेटर में हम uh, कोलन लगाते हैं ताकि हम एल्स डिफाइन कर सकें नहीं तो लिखे हम नो डेटा हेयर ठीक है हम देख लेते तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास नो no डेटा आ हेयर आएगा ठीक है क्यों क्योंकि अभी इस टाइम पे नल है वो है ना एक तो ये तरीका है ठीक है दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोई चीज़ शो नहीं करानी कोई चीज़ आपको यहाँ पर शो नहीं करानी तो आप क्या करते हो आप ना इसको हटा देते हो मान लो आपको शो नहीं कराना है ठीक है एंड uh, मेरे पास कुछ वही सेम एरर आ रहा है ठीक है मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए अभी के लिए इस वाले को कमेंट कर देता हूँ ठीक है हमें वही जी वही एरर आ रहा है कि यूज़र डिफाइंड सॉरी ठीक है वही एरर आएगा हमें कि भैया जो डेटा है वो नल है अनडिफाइंड का हम कुछ नहीं कर सकते इसको रिलोड करो पुराने पुराने एरर दे रहे हैं मुझे hmm. कैन रीड प्रॉपर्टी मैप ऑफ नल राइट तो इसका एक तरीका होता है हम जो भी चीज़ अनडिफाइंड होती है ना हम उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ठीक है तो अब देखते हैं अब क्या करेगा अब तुम देखोगे कि उसने वो चीज़ डाली ही नहीं ठीक है तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो क्या होगा एरर मारेगा लेकिन अगर मैं इसको वापस लगा दूँगा उधर ही ठीक है तो ये ये चला देगा मुझे चला देगा ये है ना तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क एक नया ऑपरेटर है लाइक वो लिटरली सिर्फ दो साल पहले आया है ठीक है तो ये क्या करता है अनडिफाइंड चीज़ों को ना डिफॉल्ट दे देता है ठीक है अगर ये चीज़ डिफाइन है तो ही चलेगी वरना उसकी जगह वो डिफ़ॉल्ट में नल दे देता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको चलाऊँ तो इसको चलाऊँ ठीक इसको चलाऊँ एंड इसको मैं कमेंट कर दूँ एंड इधर इसकी जगह मैं नल लिखूँ ठीक है तो यहाँ पर भी सेम आएगा है ना क्यों क्योंकि मैं किसी और की मैं नल दे रहा हूँ नल का मतलब कुछ भी नहीं दे रहा मैं खाली दे रहा हूँ एम एं, टी मतलब एम भी नहीं है वो वो कुछ है ही नहीं है ना नल का मतलब क्या वो है वह ये है तो इस चीज़ का शॉर्ट हैंड होता है हम सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ठीक है थेके? तो अभी हमारा यूज़ केस ये नहीं है हमें दिखाना है लोगों को कि भैया यहाँ पे डेटा हेयर नहीं है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे वरना अगर आपका कोई ऐसा यूज़ केस आया जिसमें आपको नहीं दिखाना तो आप सीधा क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हो हाँ जी अभिजीत ठीक है क्वेश्चन नहीं उल्टा देख ना देख मैं मैं बता रहा हूं देखो क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं डाला तो एरर मार रहा था वो एरर क्यों मार रहा था ये पता बताए देखो एरर देख मैं बताता हूं वो डिफाइंड नहीं था वो नल था राइट वो नल था यहां पे है ना इसलिए यहां पे अगर इसको सेव करके एरर दिखाता हूँ देखो एरर कहा एरर आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप ऑफ नल है ना कह रहा है कह रहा है कि नल का मैं नल को मैं मैप नहीं कर सकता ठीक है ये कह रहा है वो राइट ठीक है तो नल कैसे होगा है ना मैप जो वो आइट्रेबल ही नहीं है नल आइट्रेबल है ना ही ना आइट्रेबल होता है जैसे एरे आइट्रेबल है एरे का जीरो इंडेक्स है वन इंडेक्स है टू इंडेक्स है वैसा नल तो वैसा नहीं है राइट तो क्वेश्चन मार्क से क्या होता है क्वेश्चन मार्क कहता है कि भाई अगर मैं जिसके आगे हूँ मैं जिसके आगे हूँ अगर वो एग्जिस्ट करता है तब तो वो चलेगा आगे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब उसके आगे जितना भी लाइन है ना लाइक उसके आगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी लाइन है वो नहीं चलाऊँगा मैं ठीक है वो नहीं चलाऊँगा मैं ऐसा ऐसा नो नो डिव हेयर दो बार लिखना पड़ता था या फिर इसका एक और तरीका था हाँ मतलब क्या करते थे हम ऐसा ही कुछ करते थे यही तरीका था ठीक है दो साल पहले भी नहीं उससे पहले ही आया होगा मुझे पता नहीं लेकिन मैंने तो अभी डिस्कवर किया लाइक दो तीन महीने ही मैंने पहले डिस्कवर किया इस चीज़ को बड़ा सही था भाई पता है डबल डबल कोड लिखना पड़ता था हर जगह कि भाई यूज़र है तो करे वरना ये करे फलान फलान डिमकान डिमकान फिर सीधा अब तो सीधा क्वेश्चन मार्क भाई जरूरत ही नहीं है चीज़ों की ठीक है तो ये चीज़ है ये हमें देखना है ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें दिखाना है यूज़र को कि भाई कैसा लाइक हमें यूज़र को दिखाना है कि क्या सीन चल रहा है ठीक है इसको ना थोड़ा सा और कर लेते हैं ठीक है हम यहाँ लिख देते हैं यू हैवेंट क्ले गेट डेट यू हैवेंट नहीं कुछ और यू डू नॉट हैव एनी डेटा ठीक है तो अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है राइट right? कोई डेटा नहीं तो अब हमें क्या लॉजिक लगाना है हम गेट डेटा करें एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड बने हुए आ जाएँ यहाँ पे हमारे पास कार्ड बना हुआ आ जाए ठीक है जो कि वो करें ठीक है अब एक काम करता हूँ तुम लोगों को दिखाता हूँ कि जब एरे होगा यहाँ पे तब क्या दिखेगा वो ठीक है एक काम करता हूँ मैं एरे बना देता हूँ इसको ठीक है यहाँ पर मैं ऐसा कोई कोई एरे डाल देता हूँ ठीक है अरे एरे मारेगा ये मैं इसको एरे बना देता हूँ छोटा सा ठीक है ताकि मेरे पास ही दो बार तो आ ही जाए है ना तुम देखो दो बार आ गया राइट दो बार आ गया ठीक है मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए कि जिसके अंदर जितना भी डेटा हो उतना वो उतना वो उसको मैप सॉरी उसको उतना वो मैप कर दे ठीक है तो यहाँ पे नल लग देता हूँ मैं वापस ताकि वो वापस वही दिखाए नो डेटा है ठीक है अब हम यूज़ करते हैं एक्जी ठीक है हमें पता है एग्जीस के लिए यूज़ होता है एग्जीस डॉट गेट यूज़ होता है ठीक है चीज़ें गेट करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम कह रहे हैं गेट डेटा राइट डेटा मुझे चाहिए मुझे चाहिए बैक एंड से डेटा चाहिए जो कि मैं यहाँ पे लगा सकूँ ठीक है मुझे पता है मेरे पास ये ए है मैं इस ए को कॉपी कर लेता हूँ ठीक है मुझे पता है मेरे पास ये ए है तो मैं मुझे ये भी पता है कि सिंटैक्स क्या होता है पहला तो भैया कोड्स के अंदर आता है ए ठीक है ठीक है कोड्स के अंदर आता है ए पी आई एंड गेट के अंदर मुझे दूसरा होता है हेडर जो कि मुझे देने का जरूरत नहीं है इस टाइम पे ठीक है हेडर वाला हम ट्राई करेंगे 100 परसेंट ट्राई करेंगे हेडर ऑथराइजेशन कैसे देता है ठीक है uh, ये चाहिए है मुझे राइट एंड देन मुझे पता है अगर मैं ऐसे चलाऊँगा चलो चलो चला के देख लेता ना कोई दिक्कत नहीं यार वन स्टेप एट अ टाइम ठीक है इंस्पेक्ट करता हूँ मैं नेटवर्क टैब में जाता हूँ ठीक है नेटवर्क टैब में जाता हूँ नेटवर्क टैब में मतलब कोई भी चीज़ हमारा इंटरनेट से काम कर रही होगी ना फेच कर रहा होगा दे रहा होगा तो सारा नेटवर्क टाइप में आता है इसलिए हम नेटवर्क टैप यूज़ करते हैं हम गेट डेटा दबाएंगे तो फंक्शन कॉल हुआ ठीक है तुम देखोगे यूजर आ गया राइट यूज़र किस टाइप का गेट मेथड है स्टेटस को टू थाउजेंड टू हंड्रेड है टू हंड्रेड का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ठीक है इसके अंदर मुझे मिला पेज वन पर पेज छः सपोर्ट कोई मिला सपोर्ट मुझे चाहिए नहीं टोटल चाहिए टोटल पेज टोटल है टोटल पेज चाहिए ठीक है डेटा के अंदर मेरे पास सिर्फ पाँच डेटा आया पास डेटा के अंदर मेरे पास एरे आया देख रहे हो ये एरे है ये देखो इसका ब्रैकेट देखो इसका ब्रैकेट देखो एरे है ये ठीक है एरे आया एरे के अंदर अवतार आया ई आया फर्स्ट नेम आया आई आया लास्ट नेम आया ठीक है ये हमें बैक एंड से मिल रहा है अभी हम फ्रंट एंड पे आए भी नहीं हमने सिर्फ फ्रंट एंड से एक ए कॉल किया ठीक है अब हम क्या करते हैं हम इस पर्टिकुलर ए का जो रिस्पॉन्स आता है हम उसको कैच करते हैं ठीक है कैच करने का तरीका होता है डॉट देन डॉट देन के अंदर आप लिखोगे रिस्पॉन्स मैं अब बड़ा रिस्पांस लिखूंगा मैं छोटा रिस्पॉन्स आर ई RES एस लिखूंगा ठीक है कोई ऐसा कन्फ्यूज मत हो जाना अब रिस्पॉन्स लिखने के बाद मैं इसको अपने बैक फ्रंट एंड में लॉक करा लेता हूँ ठीक है रिस्पॉस लॉक करा लेता हूँ मैं रिस्पॉन्स क्या आएगा अब मैं नेटवर्क मैंने अब मैं कॉन्सोल पर भी देख सकता हूँ गेट डेटा करूँगा ठीक है तो मेरे पास डेटा आ जाएगा डेटा क्या आया मेरे पास डेटा आया वही वही जो चीज़ें आती थी कॉन्फिग हेडर रिक्वेस्ट फ़लान फलान चीज़ें ठीक है डेटा आएगा डेटा के अंदर मेन चीज़ आई जो वहाँ पे रिस्पांस में आया था डेटा के अंदर वो चीज़ आई ठीक है तो मुझे बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर घुसना है जिसके अंदर मुझे चीज़ें मिलेंगी ठीक है तो अब क्या करता हूँ मैं मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे डेटा के अंदर जो चीज़ें हैं वो चाहिए राइट अब देखता हूँ ठीक है अब क्या आ रहा है मेरे पास ठीक है अब आ रहा है मेरे पास वही जो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था है ना पेज आ रहा है ठीक है पर पेज आ रहा है टोटल चाहिए ठीक है लेकिन मुझे मुझे अपने यूज़र डेटा में सिर्फ एरे सेव करना है वो एरे सिर्फ और सिर्फ डेटा का एरे होना चाहिए ठीक है तो मुझे पता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर रिस्पॉन्स तो ये था है ना पूरा रिस्पॉन्स आया मेरे पास ये इतना बड़ा रिस्पॉन्स आया था उसके अंदर डेटा जो था उसके अंदर जो डेटा था पहला जो डेटा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे पास मेन रिस्पॉस था जो कि मुझे बैक अंडे भी था। बाकी तो है बाकी सारा तो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ठीक है जो मुझे नहीं चाहिए ठीक है उस डेटा के अंदर मेरे पास एक और डेटा था जिसके अंदर मुझे मेरे पास मेन चीज़ ही जो एरे था है ना मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे दिमाग ने कहा हाँ भाई तेरे को ये चीज़ चाहिए ठीक है तो मैं इसको कैसे उठाऊँगा रिस्पॉस डॉट डेटा से मैं इसके अंदर पहुँचूंगा इस जगह पर पहुँचूँगा एंड देन मुझे उसका अंदर का डेटा उठाना है तो मैं उस डेटा पर पहुँच जाऊँगा ठीक है तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा क्यों देखो दोबारा रिस्पॉन्स ये पूरा उसके अंदर पहला डेटा उसके अंदर दूसरा डेटा दूसरे डेटा के अंदर है एरे है ना मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं ऐसा पहुँचूंगा इसके अंदर इसमें दिक्कत किसी को कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे पहुँच पहुँचते हैं नहीं ना अब हम सेव कर लेते हैं अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आया अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरे आया जो कि हमें चाहिए है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरे आया तो दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या किया हमने सिर्फ पहले रिस्पॉन्स को लॉक कराया पूरा रिस्पांस आया उसके बाद हमने देखा कि हमें डेटा के अंदर जाना है तो हमने फिर रिस्पॉस डॉट डेटा को लॉक कराया तो तुम देखोगे कि हमारे पास और चीज़ आई रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो चीज़ थी वो आई हमें पता है कि हमें डेटा के अंदर डेटा जो है उसके अंदर घुसना है क्यों क्योंकि क्यों क्यों वो हमारा यूज़ कैसे यहाँ पर डेटा की जगह ए लिखा होता तो मैं यहाँ पर डेटा डॉट ए लिखता ठीक है मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा लिखूंगा अब ठीक है तो डेटा के अंदर ये चीज़ आ गई ये चीज़ मुझे यूज़ करनी थी ठीक है तो मैं क्या करूँगा अब मैं नॉर्मल अपना वही यूज़ करूँगा ठीक है सेट यूज़र डेटा ठीक है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा इससे क्या होगा हाँ जी और क्या जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिस्पॉन्स वो आएगा उतना स्लो आएगा रिस्पॉन्स डिले आएगा ये इसमें सिर्फ पाँच ही थे इसलिए वो फटाफट आ रहा है है ना कोई मान ले बताए सौ दो सौ तक भी तेज आ जाता है सौ दो सौ तक भी तेज आ जाता है हज़ार दो हज़ार पर जाके थोड़ा सा स्लो होता है ठीक है वो भी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है तुम्हारी ठीक है हम देख लेते हैं अभी हमने क्या किया हमने यूज़र सेट डेटा यूज़ किया हमें पता है कि ये सेट डेटा है इससे हम यूज़र डेटा के अंदर चीज़ें सेट कर सकते हैं अब हम देखते हैं अब हम हमारे साथ क्या होता है अगर अब हम गेट डेटा करेंगे तो तुम देखोगे एक दो तीन चार पाँच छः पाँच थे पाँच है ना एक दो तीन चार पाँच छः छः थे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है सिक्स है तो हमारे पास डेटा आ गया है ना अब हमें क्या करना है अब हमें जो बैकेंड से जो डेटा आया है हमें वो यहाँ पे यूज़ करना है ठीक है और मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाई थी जब हम ऐसा मैप के टाइम पे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं है ना राइट right? सिखाई थी ना मैंने तुम्हें तो मुझे पता है कि डेटा तो ये वाला जो डेटा आएगा ठीक है इसको हम डेटा लिखते इसको हम लिख देते हैं डी ठीक है ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो ना हो ठीक है तो मुझे पता है डी के अंदर क्या करेगा ये यूजर डेटा के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक एक करके देता रहेगा इसको ठीक है एंड मुझे पता है डी जो है मेरा डी जो है मेरा उसके अंदर एरे है एरे के अंदर एक पर्टिकुलर वो आएगा एरे के अंदर एक-एक एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट आएगा ठीक है एंड मैं वो ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूं कैसा ए डी डॉट अवतार करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा डी डॉट ई मेल करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा डी डॉट फर्स्ट नेम करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा डी डॉट आई डी करूँगा तो ये आ जाएगा डी डॉट लास्ट नेम करूंगा तो ये आ जाएगा राइट तो अब हम क्या करते हैं हमें ई मेल भी चाहिए था तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक छोटा सा टैक्स कार्ड टैक्स बना देते हैं कार्ड टैक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना यहाँ पर ई मेल डालेंगे ठीक है यहाँ पर हम ईमेल डालेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं हम मैप करना शुरू करते हैं डेटा को ठीक है डेटा को अब हम मैप करेंगे जैसे नॉर्मल हम कर, पहले करते थे याद है ना कैसे करते थे हम दो क्लास पहले हमने पढ़ा था कैसे करते थे ठीक है डी डॉट अवतार अवतार क्यों लिखा क्योंकि मुझे रिस्पॉस में ही अवतार आ रहा है है ना मैंने नहीं डाला बैक हैंड से मुझे आ रहा है तो मैं बैक हैंड वाला ही डालूंगा ना ठीक है डी डॉट डेटा डालूंगा तो ये क्या होगा ये सारे जितने भी वो हैं लाइक सारे अवतार अवतार चेंज हो जाएंगे तुम तो देखो कि डिफरेंट डिफरेंट अवतार आ गए है, है ना क्यों क्योंकि अब ये ये वाला अवतार यूज़ कर रहा है जो कि मुझे डेटा में मिला है ठीक है Hmm? अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे नेम वन एंड नेम टू चाहिए ठीक है तो मुझे पता है कि नेम वन एंड नेम टू कैसा आता है मुझे पता है डी डॉट फर्स्ट अंडर स्कोर नेम लिखूँगा तो नेम वन आ जाएगा उसके बाद मुझे एक स्पेस चाहिए स्पेस डालूंगा मुझे पता है कि डी डॉट लास्ट अंडर स्कोर नेम लिखूँगा तो मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहाँ से मिला मुझे मिला यहाँ से फर्स्ट नेम जॉर्ज है लास्ट नेम यहाँ से क्यों क्योंकि मैंने डेटा देखा डेटा समझा डेटा का मतलब देखा क्या है मतलब फर्स्ट नेम का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम का लास्ट नेम है तो ये तो तुम देखोगे यहाँ पे मेरे पास नाम आने लगे पूरे पूरे जे ईव हॉट एम आर रॉन्ग ये वो ये वो ठीक है अब क्या करता हो अब मुझे ई चाहिए राइट right? ई के लिए मेरे पास क्या है ई मेल के लिए मेरे पास क्या है ई मेल के लिए मेरे पास है नॉर्मल ई मेल ठीक है तो मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मुझे पता है कि मैं मेल लिखूंगा डी डॉट ई मेल क्यों डी डॉट डी डॉट क्यों डाला क्योंकि हम जब मैप कर रहे हैं तो हमने डी दिया है डी के अंदर सारा डेटा आ रहा है डेटा क्या है वो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है तो मुझे यहाँ पे ऐसा फॉर्म मिल रहा है ठीक है ये ये आ गया ई आ गया ठीक है एंड एड आई डी वन एज फ्रेंड है ना अब मुझे वन की जगह मेन आई डालनी है है ना मुझे वन की जगह मेन आई डालनी है ठीक है uh, तो मैं क्या डालूंगा डी डॉट आई ठीक है अब देखते क्या आएगा तुम देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आईडी आ गई मेरे पास है ना आ गई ना तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैं बैक एंड से डेटा लेके फ्रंट एंड में दे सकता हूँ एक बटन के क्लिक में देखिए इसको रीलोड करते हैं यू डोंट हैव एनी डेटा गेट डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पर डेटा आ गया ठीक है ठीक है डेटा आ गया अब अब, अब 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 मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ और बताना चाह रहा था बताऊँगा बताता हूँ ठीक है हम ए, पहले तो इसको बटन बना देते हैं ठीक है ये थोड़ा सा एडवांस मतलब एडवांस क्या ये नॉर्मल है लेकिन एडवांस ही मान लो उसको ठीक है क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है ठीक है मान लो तुम्हें इस बंदे पे क्लिक करने पर तुम्हें एक ऐसा तो मैं एक ऐसा आईडी कॉल करना है ठीक है एक तुम ऐसी चीज़ कॉल करोगे जिससे मान लो एक ऐसा बैकेंड ने हमें एक ऐसा वो दिया एक ऐसा ए दिया जिसको कॉल करने पर जिसको कॉल करने पर वो बंदा एड फ्रेंड हो जाता है ठीक है लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसका आईडी पास करना होगा उसमें यहाँ पे डेटा में ठीक है यहाँ एग्जी में तुम्हें उसका आईडी पास करना होगा शर्त यह है ठीक है तो तुम कैसे ही? तो तुम क्या करोगे ठीक है मैं ऐसा करके नहीं दिखाऊँगा ठीक है लेकिन मैं तुम्हें पूरा आइडिया दे दूंगा कैसे होता है ठीक है क्योंकि उसमें कुछ नहीं बस जो पार्ट रह जाएगा वो ये रह जाएगा कि बैकएंड का हमारे पास कोई वो नहीं है कोई ऐसा कोई एपीआई नहीं है जिससे हम ये चीज़ कर पाएँ ठीक है हमारे पास कोई ऐसा आई पी आई नहीं जिससे हम ये चीज़ कर पाए वरना मैं तुम्हें वो भी दिखा देता लेकिन मैं तुम्हें आइडिया पूरा दूंगा हम कैसे करते हैं चीज़ें ठीक है हम क्या करेंगे हम एक यहाँ पर एक वही ऑन क्लिक बनाएंगे ठीक है ऑन क्लिक बनाएंगे ठीक है ऑन क्लिक पे मान लो हमारा जो यूज़ कैसे वो यही है हमें ऐड फ्रेंड करना है ठीक है तो हम फंक्शन का नाम रख देते हैं ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड रख देते हैं एंड एंड हम क्या करते हैं हम इसके अंदर डी डॉट आई डी पास करेंगे क्यों क्योंकि बस शर्त क्या थी शर्त ये थी? थी कि भैया तुम्हें एग्जियोज के अंदर तुम्हें आई डी देना है ठीक है तो मैं ऐसा ऐसा दे सकता हूँ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं बाहर जाके एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट एड फ्रेंड ठीक है जो कि एक एरो फंक्शन है ठीक है जो कि एक एरो फंक्शन है ठीक है वो क्या लेगा वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा क्योंकि मैंने नीचे आर्ग्यूमेंट पास किया ना मुझे ऊपर भी देना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए ठीक है मैं आईडी यूज़ कर लेता हूँ ठीक है आई डी लूंगा मैं यहाँ पे अलर्ट कर अलर्ट दे देता हूँ मान लो यहाँ पे हमने कोई एक्जीओस कॉल किया मान लो इमेजनिंग मान लो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसा एक्जी का कोई गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट कोई यूज़ किया क्योंकि जिसमें सिंगल डेटा भेजना होता है ना बैकेंड से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आना होता ठीक है हमें बैकेंड से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं तो हम वो यूज़ कर सकते हैं हम गेट यूज़ कर सकते हैं ठीक है एक्जी डॉट गेट यूज़ कर सकते हैं ठीक है मान लो कोई ऐसा कोई ए है ठीक है ऐसा डब्ल्यू कोई ऐसा ए है मान लो ये डॉट डॉट कॉम ए है ठीक है तुम्हें उसके आगे सिर्फ आई देना होगा ठीक है यहाँ पे तुम ये ए है तुम्हारे पास ठीक है हैड मी एज फ्रेंड डॉट कॉम पे ठीक है ये आई ये ए है तुम्हारे पास ठीक है तो so, उसने कहा कि अगर तुम ये पर्टिकुलर ए कॉल करोगे आई डी आई डी कहते जो तो तुम वन डालोगे टू डालोगे तो वो पर्टिकुलर आदमी जिसका भी वो आईडी है वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा ठीक है तो उसने ऐसा कहा उसने कहा कि भाई ऐसा आई डी यूज़ करोगे तो तुम्हारा मैं फ्रेंड कर लूंगा गेट रिक्वेस्ट में तुम आई डी बेस्ड ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें पता है कि हमारे पास एक बड़ी सही चीज़ है जावा स्क्रिप्ट में जिसके अंदर हम वेरिएबल यूज़ करते कर सकते हैं स्ट्रिंग में वो क्या है याद है किसी को करेक्ट तो टिक्स यूज़ करते हैं हम ठीक है टिक्स में बेसिकली टिक्स का सिंटैक्स क्या था कर्ली ब्रेक ब्रैकेट्स के आगे हम डॉलर साइन लगा देते हैं तो हम इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना वो यूज़ हो जाएगा ठीक है यूज़ हो जाएगा ठीक है तो तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है अगर मैं इसको अलर्ट इसको ही अलर्ट करूँ इसको ही अलर्ट करो तो तुम देखना क्या होगा इसको मैं अलर्ट करता हूँ एड फ्रेंड यू डोंट हैव डेटा गेट डेटा में लगा देगा मैंने हाँ, एक मिनट गड़बड़ा दिया मैंने गेट डेटा यहाँ पे क्या है यहाँ पे बटन है ऐड ओके ओके यहाँ पे ऐसा लगाना पड़ेगा जो ठीक है अब ये सही काम करेगा ओहो बंद करो इसे हैंग हाँ हो गया वो ठीक तो क्या हुआ ये क्या है ऐड फ्रेंड है वन टू थ्री ठीक है मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा मैंने दबाया तो आ गया मी फ्रेंड डॉट वन है ना तो बेसिकली तो मैं चीज़ समझ आई क्या करना है तो तुम्हें ऐसा कुछ भेजना होगा ठीक है मान लो मान लो तुम्हारा बैक एंड वाला ज़्यादा सही को है उसने कहा भाई नहीं तुम मेरे को एग्जीस्ट डॉट पोस्ट तो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट में ही भेज ठीक है तू मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट में ही भेज ठीक है तेरा तेरे को मैं वो दे रहा हूँ तेरे को आईडी में दे रहा हूँ ठीक है उसने हमें यूआरएल ये दे दिया तो हम क्या कहेंगे हमें पता है हम पोस्ट आईडी कैसे यूज़ करते हैं ठीक है हमें पता है हम पोस्ट आईडी कैसे यूज़ करते हैं हम ऐसा डाल देंगे आई डी डॉट आई डी ठीक है या फिर जैसा भी उसको चाहिए हो यहाँ पे उसको चाहिए हो एड मी ठीक है ऐसा कुछ चाहिए हो हम ऐसा दे देंगे उसको सिर्फ और सिर्फ आई डी चाहिए हो उसको और कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ और सिर्फ आई डी चाहिए हो तो हम सीधा आई डी लिख देंगे है ना वो हमारी यूज केस के ऊपर है तो मान लो मान लो तुमने ये चीज़ कर दी जैसा तुम्हारा बैक एंड आई ये चीज़ कर दी ठीक है एंड हम यहाँ पे ऐसा एक्जी हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं अलर्ट दे देते हैं कि दिस पर्टिकुलर आई डी एडिड ठीक है तो अब हमें पता है कि हम क्लिक करेंगे एक्सिओस कॉल होगा एंड टू एडिड आ जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे यहीं से यहीं से ही मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो कि मैं मतलब जो कि मुझे ज़रूरत हो ठीक है तो तुमने आज देखा कि हम कैसा डेटा गेट कर सकते हैं ठीक है तुमने देखा आज हम हम कैसा डेटा डेट डेटा कैसा गेट कर सकते हैं हम ठीक है एंड हम उसको कैसा मैप करते हैं और एक आइडिया मतलब कोई नया आगे नहीं वो तो तुम्हारे ऊपर है ना तुमने क्या फंक्शन लिखा है तुम्हारे ऊपर है फंक्शन के लिखा है मैंने सिर्फ अभी इतना फंक्शन लिखा है कि एड जॉन सा भी बटन क्लिक हुआ उसका आईडी इस पर्टिकुलर फंक्शन में जाएगा एंड अलर्ट में दिखा देगा कि वो पर्टिकुलर आईडी ऐड हो गया कौन सा क्लिक हुआ है ना आईडी में क्या आ रहा है आईडी में क्या आ रहा है आईडी में मैं दे रहा हूँ डी डॉट आई कौन सा आईडी है ना कौन से नंबर का बंदा है आई डी पता है ना क्या होता है हर चीज़ का हर बैकेंड का एक छोटा सा आई होता है ना ये पता है हमें है ना जो एस क्यूल पड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा आईडी का खेल क्या है ठीक है कौन सौ पर चला जाता हूँ मैं नेटवर्क में कुछ भी नहीं है यार हाथों की गैट डेटा का है ठीक है तो बेसिकली तुम देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास रिव्यू में डेटा डेटा के अंदर आईडी आ रहा है ना वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या बैकेंड से आ रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास ये एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी है जिसमें रोल नंबर है एक बंदे का ठीक है तो मैं कहूँगा कि जैसे मान लो ये जॉर्ज ब्लुथ है ठीक है ये प्रेजेंट है तो क्या कहुंगा? मैं क्या कहूँगा मैं रो, कहूँगा रोल नंबर वन इज़ प्रेजेंट है ना तो वो वाला सीन है ठीक है तो ये ऐसा हो जाएगा हु? काश मैं इसमें रैप लगा सकता फ्लैक्स रैप का प्रॉपर्टी होता है बूटस्ट्रैप में फ्लैक्स रैप डी फ्लैक्स अनेबल रैप रैप कैसे अनेबल करते हैं जस्टिफाई कंटेंट लक्स आइटम इतना इतना ट्राई करे सी एस को सी एस एस को इतना ट्राई कर कि ते को देखते ही पता चल जाए कि तू उस एलिमेंट में क्या लगाने वाला है ठीक है एंड देन तू क्या कर तू डिफरेंट डिफरेंट तो खुद का एक बूट शैप बना ले ठीक है एंड वो बूट शैप का क्लासेस यूज़ करता रहे <laughs> अबे जोक मारो तो समझ नहीं रहा ठीक है मेन केस ये है कि तू ऐसा वो कर सकता है तो उसको जितना तू तो प्रैक्टिस करेगा ना उतना वो आएगा उतना काम आएगा ठीक है क्योंकि क्या होता है हम क्लासेस मल्टीपल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सी बड़ा नहीं होना चाहिए सी जितना छोटा रख सको उतना यूज़ कर सको उतना छोटा रखो तुम तो. समझ रहे हो क्लासेस तुम दस डाल दो एक क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्लासेस तुम बीस लिख दो कोई बात नहीं लेकिन सी एस एस छोटा होना चाहिए हमेशा ठीक है क्यों क्योंकि सी एस एस फाइल है फ़ाइल लोड होती है और जितनी बड़ी फ़ाइल होगी ना उतना टाइम लगेगा लोड होने में अगर तुमने मल्टीपल क्लासेज यूज़ करी है ठीक है मल्टीपल क्लासेज मतलब एक तुमने एक सिंगल क्लास को ब, बार बार यूज़ किया डबल डबल जगह सेम सेम सी एस एस यूज़ करके तो तु, 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 तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, है ना तो ये होता है तो हाँ हाँ ठीक है तो ऐसा सीन है ना, हम इसको रैप कर देते हैं रैप कैसे करेंगे हम फ्लेक्स रैप का यार होना चाहिए है नहीं हम स्टाइल डाल देते हैं फ्लेक्स रैप रैप फ्लेक्स रैप क्या चीज़ है दिखाता हूँ तुम्हें फ्लेक्स रैप से देखा क्या वो नेक्स्ट लाइन में आ गया वो ठीक है फ्लेक्स रैप का चीज़ समझा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं सेंटर नहीं स्पेस ईवन नहीं था कंटेंट इवनली स्पेलिंग तो गलत तो नहीं लगता मैंने ठीक है तो बेसिकली क्या है ये तुम्हारा भैया वो है ठीक है अगर जगह है वहाँ पे तो तो वो उसी लाइन में आ जाएगा लेकिन अगर जगह नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा ठीक है।, है तो ये फ्लेक्स रैप का बढ़िया चीज़ होता है ठीक है तो मस्त रिस्पॉन्सिव देख हो कितना रिस्पॉन्सिव है ये मस्त एकदम ठीक है ये तुम्हारे लिए नई चीज़ है फ्लैक्स रैप फ्लैक्स रैप रैप नो रैप होता है अगर वो रैप हो रहा हो तो तुम उसको नो रैप कर सकते हो फ्लैक्स का पावर फ्लैक्स का पावर हेल फ्लैक्स ठीक है तो हमें पता चला कि हम आईडी कैसे यूज़ करते हैं हम गेट कैसे यूज करते हैं ठीक है हमें पता चल गया हम पोस्ट कैसे यूज़ करते हैं डिलीट भी कर सकते हैं पुट भी कर सकते हैं सेम बस तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पर कोई आईडी डिलीट करनी है ठीक है तो तुम क्या करोगे ठीक है तुम तुम्हें कोई आईडी डिलीट करनी है राइट ठीक है तो मान लो आईडी डिलीट करनी है तुम्हें तो तुम क्या करोगे यहाँ पे डिलीट चलाओगे ठीक है डी छोटा आता है बड़ा लिख दिया मैंने डिलीट चलाओगे रिस्पांस में देखोगे रिस्पॉन्स क्या आएगा रिस्पॉन्स देख लेते हैं हम एक बार रिस्पॉन्स क्या आएगा एक डिलीट चलाने के बाद ठीक है तो एक बार देखते हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पांस है ये ऐसे ही लेता है क्या मैं भूल गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ए पी आई डिलीट क्या है डिलीट डिलीट में रिस्पॉन्स आएगा टू जीरो फ़ोर आएगा सिर्फ रिस्पॉन्स ठीक है अगर तुम तो आईडी डिलीट टू करना चाहो तो रिस्पॉन्स आएगा टू जीरो फ़ोर तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये डिलीट करके टू जीरो फ़ोर आएगा हमारे पास ठीक है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट टू करते हैं ठीक है हम यहाँ पे हम आईडी यूज़ करते हैं ठीक है हम यहाँ पर आई यूज़ करते हैं डॉलर डॉलर का डॉलर आई यूज़ करते हैं ठीक है हम नॉर्मल यहाँ पर डॉलर नहीं यूज़ कर सकते हमें इसके लिए टिक्स देना पड़ेगा तो हम टिक्स दे देते हैं ठीक है टिक्स होता है टैब के ऊपर जो एक छोटा सा बटन होता है वो होता है ठीक है तो हम इसको कर देते हैं डिलीट फ्रेंड डिलीट फ्रेंड कर देते हैं ठीक है एंड हम यहाँ पे एक छोटा सा और बटन लगा देते हैं जो कि हमें जिसका हमें नाम देना है जिसको हम देते दे हैं डेंजर दे क्योंकि वो डिलीट हैं तो हम डेंजर यूज़ करेंगे ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट दिस डिलीट फ्रेंड ठीक है एंड हम ऐड फ्रेंड की जगह हमें हमने ऊपर एक नया बनाया डिलीट फ्रेंड तो हम डिलीट फ्रेंड यूज़ करते हैं डिलीट फ्रेंड ही ना डिलीट फ्रेंड यूज़ करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं हमारे साथ क्या होगा ठीक है डिलीट फ्रेंड है तो क्या होगा नेटवर्क टाइप में जाते हैं रिस्पॉन्स देखते हैं सबसे पहले तो क्योंकि ये अभी जो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें वो सारा रिस्पॉन्स में तुम्हें समझ आ जाएगा तुम डिलीट करो थ्री एडिट लिखा रहे लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे स्टेटस क्या आया स्टेटस आया मेथड डिलीट स्टेटस आया टू ज़ीरो फोर ठीक है स्टेटस आया तो मेरे पास टू ज़ीरो फ़ोर राइट यही चाहिए था हमें स्टेटस वाट इफ़ वाट इफ मैं इस डिलीट की जगह इस डिलीट की जगह मैं कर दूँ गेट ठीक है हमने इंटर यहाँ पे तो देखा था ना हमने यहाँ पे देखा था कि भैया डिलीट के अंदर तुम ऐसा ऐसा टू लिखोगे डिलीट के अंदर तुम ऐसा टू लिखोगे तो तो ये आना चाहिए 204 आना चाहिए राइट डिलीट के अंदर तुम ऐसा आईडी लिखोगे ये एपीआई कॉल करोगे तो दो 204 आना चाहिए है ना लेकिन मैंने यहाँ पे डिलीट करके दिखाया तो दो आ गया लेकिन अगर मैं गेट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास देखें हम एक बार क्या सीन है ये एक बार डेटा गेट कर लेता हूँ डिलीट फ्रेंड का बटन है जहाँ पे हमने गेट कर रखा है ठीक है अभी जो यहाँ पे थ्री था वहाँ पे 204 आया ठीक <coughs> है अब मैं एक बार आ, अब देख लेता हूँ आई डी टू देख लेता हूँ क्या आएगा मेरे पास कुछ भी नहीं आया ऐसा क्यों हुआ गेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स नहीं आया कोई रिलोड मारो इसको एंड ये जो अलर्ट चल रहा है पहले तो अलर्ट को बंद कर दो बहुत डाटा करता है ठीक है गेट डेटा किया इसको रिस्पॉन्स हटा दो डिलीट करते हैं थ्री आया थ्री के अंदर देखोगे ये गेट इनपुट और स्टेटस कोड ही मेरे पास चेंज हो गया समझ लो क्या हुआ हुँ? वही तो वही तो बात है वही तो बात है मैं यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा अब मैं कैट कर रहा हूँ ठीक है तो तुम्हें समझ आया कि हमें ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि डिलीट करना डिलीट करने का मतलब क्या है डिलीट करने का मतलब है कि हम बस बैकेंड को बता रहे हैं ये जो पर्टिकुलर जो इस जगह पे जो मैंने चीज़ मेथड कॉल किया ना वो डिलीट है तो तू जो भी कर तू डिलीट कर ठीक है तू उसको डिलीट कर अभी जो एरर आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ डेटा चेंज कर रहा था और रिस्पॉन्स में वो फिर एरर नहीं एरे नहीं था वो कुछ और ही हो गया ठीक है अब मैं डिलीट करूँगा तो तुम देखना आ गया 204 आ गया है ना डिलीट मेथड पे 204 आ गया एंड प्रिव्यू कुछ भी नहीं आया रिस्पॉन्स भी कुछ नहीं आया क्यों क्योंकि इसने पहले ही कहा था इस ए पी आई में इस ए पी आई में इसने पहले ही कहा था कि भैया रिस्पॉन्स में सिर्फ मैं 204 दूंगा उसके अलावा और कुछ नहीं दूंगा ठीक है पुट देख लेते हैं पुट देख लेते हैं ले क्या होगा पुट में इसने कहा कि अगर तुम अपडेट करोगे कोई चीज़ तो तुम मुझे चीज़ें दे सकते हो तो job, तो मुझे जॉब दे तुम मुझे नेम दे सकते हो तो मुझे जॉब दे सकते हो एंड मैं एक बार पुट करूँगा तो तो मैं ऐसा अपडेटेड ऐड मिल जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अपना आप खुद से ट्राई करना ऐसा है ऐसे कोई भी ए में ठीक है अगर मिले ए तो ट्राई करना वरना ये है आर ई क्यू आर ई एस डॉट इन ठीक है इस पर ट्राई करना देखो ये वही लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं देख लो ठीक है तो आई होप आप लोगों को एग्जीस समझ आया होगा एग्जी कैसे यूज़ करता है वो समझ आया होगा ठीक है कोई कोई ऐसा है पूरी क्लास में जिसको अभी भी एग्जियोस गेट करके डेटा शो करने में इश्यू आ रहा है कोई भी ऐसा है क्लास में जिसको एक्सियोस से डेटा गेट करके शो करने में इशू आ रहा है मुझे अभी बताओ और मैंने पूछा एंड तुम लोग नहीं बता पाए तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा याद रखना इस बात को तुम लोग चुप हो इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ समझ आया याद रख रहे हो इस बात को ठीक है मैं पूछने वाला हूँ साक्षी माई कौन कर अपना कैसे मतलब जैसे मैं पूछने में बात हूं लेकिन मीटिंग छोड़ना शुरू कर देते हैं साक्षी क्या आवाज माइक काम नहीं कर रहा तेरा दिवानशी माइक ऑन करो अपना दिवानशी हेलो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी देवांशी, साक्षी आज तो ये लोग भैया चैट पे भी कुछ नहीं लिख रहे सर माइक ख़राब है सर, सर आवाज़ नहीं आ रही सर इंटरनेट इशू है कुछ भी नहीं लिख रहे ये लोग आफरीन तेरा सब कुछ सही है बस इतना बता दो गेट मेथड से हम करते क्या हैं ठीक है बस इतना जानना चाहता हूँ मैं कि हम गेट मेथड से हम गेट मेथड क्यों यूज़ करते हैं चार मेथड होते हैं गेट पोस्ट डिलीट पैच गेट सेम करते क्या बस इतना जानना है मुझे ठीक है तुम गूगल सर्च मार लो आराम से कोई दिक्कत नहीं लेकिन याद रखना गलत इनपुट का मतलब पता क्या होता है पोस्ट पोस्ट से देते हैं हम इनपुट पोस्ट से हम बैकएंड को डेटा देते हैं फ्रंट एंड मैंने कब बताया तुम्हें कि गेट से कब डेटा देते हैं मैं तो हमेशा यही कह रहा हूँ कल से यही चिल्ला रहा हूँ गेट से डेटा लेते हैं लेते हैं लेते हैं बैकएंड से जो डेटा आता है वो हम गेट से लेते हैं पोस्ट पोस्ट से हम मेथड हम चीज़ें देते हैं बैकेंड को इतनी सी चीज़ यार दो वर्ड के मतलब तुम्हें याद नहीं रह रहा। क्या करोगे तुम लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ का गेट का मतलब ये होता है क्या मैं तुम्हें बच्चों को तो लिखवाऊं क्या सौ बार बोलो गेट से डेटा लेते हैं गेट से डेटा लेते हैं ऐसे लिखवाऊंगे तुम लोगों को प्रथमेश प्रथमेश माइक ऑन कर भाई प्रियंगा आदित्य माइक ऑन कर अपना माइक ऑफ नहीं ऑन करने को बोला है ऐसा है भाड़ में आओ तुम लोग ठीक है मैं पागल नहीं हूँ यहाँ पे तुम लोग ऐसा ऐसा ढंग से एक एक चीज़ ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार डाउट्स पूछ रहा हूँ ठीक है तुम लोग नहीं करना चाह रहे मत करो मैं आगे बता रहा हूँ जिसको पढ़ना है पढ़ो जिसको नहीं पढ़ना लीव करो ठीक है नहीं लीव करना चुपचाप से रहना इज्जत बचानी है अपनी इज्जत बचाओ ठीक है हाँ हर्ष जा भाई मैं मैं नहीं रोक रहा जाओ मैं नहीं रोक रहा भाई जा मस्त okay, वैक्सीनेशन okay. लगवा के बीमार हुई दो दिन एंजॉय करियो लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है ध्यान से समझना है, जिसको नहीं समझना है, अपने कान बंद करके बैठ जाना ठीक है यूज़ इफेक्ट होता है यूज़ इफेक्ट एक हुक्स होता है ठीक है हुक्स होता है वो एक यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है हम यूज़ इफेक्ट लिखते हैं ठीक है थेके? वो एक फंक्शन होता है फंक्शन चालू करते हैं एंड हम ऐसा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं ठीक है ये है यूज़ इफेक्ट सिंटैक्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है बेसिकली ये भी नहीं होता इसके अंदर तुम उसको ऐसा ठीक है तो जो यूज़ इफेक्ट होता है वो एक फंक्शन होता है ठीक है फंक्शन के अंदर तुम जैसा मैप यूज़ करते हो वैसा तुम यूज़ करते हो ठीक है ये तुम फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट तुम्हारा फंक्शन होता है पहला आर्ग्यूमेंट तुम्हारा फंक्शन होता है ये देखो फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे ठीक है ये एक एरो फंक्शन है ठीक है उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट एक एरे होता है ठीक है एरे क्या है बाद में पढ़ेंगे पहले तुम ये समझ लो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं ठीक है फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं ठीक है कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग कर देते हैं हम ठीक है कॉन्सोल डॉट लॉग लिख देते हैं दिस इज़ यूज़ इफेक्ट ठीक है तो सेव कर लेते हैं हम देखते हैं अब क्या होगा हमारे साथ कंसोल पे जाएंगे तो तुम देखोगे दिस इज़ यूज इफेक्ट आ रहा है रीलोड करते हैं तो देखते क्या होता है रीलोड करोगे तो तुम्हारे पास दिस इज़ यूज़ इफेक्ट आ गया मैंने कोई बटन नहीं दबाया कोई कुछ नहीं किया दिस इज़ यूज़ इफेक्ट चल गया ठीक है और एक बार ही चला है राइट right? मैं कोई गेट डेटा कर लेता हूँ ठीक है कोई डेटा मैंने फैच किया फिर भी कोई दिस इज़ यूज़ इफेक्ट टू नहीं आया इसका मतलब क्या है कि यूज़ इफेक्ट एक सिंगल टाइम चलता है ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल टाइम चले ठीक है ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल टाइम चले वो सिंगल टाइम चल रहा है इस एरे को मैंने एम दिया है इस वजह से ठीक है अगर मैं एरे ही हटा दूँ तो देखते हैं इसका क्या हल होता है ठीक है रीलोड कर देते हैं ठीक है एक बार चला ठीक है मैं गेट डेटा कर रहा हूँ दो बार चला मैं एड्रेस फ्रेंड कर रहा हूँ ठीक है कुछ नहीं हुआ मैं डिलीट कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ राइट तो बेसिकली जब हम कुछ नहीं डालते ना यहाँ पे तो ये तब चलेगा जैसे ही अंदर इधर डॉम में ये जो रिटर्न है जैसे ही ये रिटर्न जैसे ही यहाँ पे कोई चेंज होगा जैसे पे, यहाँ पे चेंज क्या हुआ ध्यान से देखना चेंज को पहले आ है यू डोंट हैव एनी डेटा ठीक है तब वो शुरुआत में तो वो बिना उसके भी चला था बिना एरे के भी चला था ठीक है जैसे ही मैंने गेट डेटा किया तो यू डोंट हैव डेटा चेंज हो गया इसमें तो वो एक बार और चल गया ठीक है तो यूज़ डेटा बार बार चल सकता है यूज़ डेटा एक बार भी चल सकता है एक बार च, अगर एक बार चलाना है कुछ भी करते रहो एक बार चलाना है तो तुम्हें खाली एरे देना होता है खाली एरे का ब्रैकेट देना होता है अगर तुम्हें दो बार चला अगर तुम्हें बार बार चलाना होता है हर हर डॉम की मैनिपुलेशन में तुम्हें उसको एक बार चलाना है तुम्हारा यूज़ केस हो अगर ऐसा कोई जब भी डॉम में कुछ चेंज हो तो एक बार ये, ये चल जाए ठीक है तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए तो तुम कुछ नहीं लगते यहाँ पे ठीक है ठीक है अगर अगर तुम्हें अगर तुम्हें ये चाहिए कि ये तभी चले जब यूज़ डेटा में कोई चेंज हो तो तुम उसका यूज डेटा देते हो ऐसा यूज डेटा ऐसा देते हो ठीक है तो ये तभी चलेगा जब यूज डेटा में कोई चेंज होगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ मैं सेव कर लेता हूँ ये रीलोड कर देता हूँ उसको ठीक है पहली बार चलेगा ये एक बार चला ठीक है यूज़ डेटा अभी एम है तो वो एक बार चला ठीक है मैं कुछ डालता हूँ तो वो टू बार चलेगा ठीक है मैं गेट डेटा करूँगा तो देखो गेट डेटा से क्या हो रहा है गेट डेटा दबाओगे तो तुम ये फंक्शन कॉल होगा ये फंक्शन में कोई जैसी ये फंक्शन कॉल होगा ये गेट होगा एंड देन सेट यूज़र ये चीज़ चेंज हो जाएगी है ना चाहे डेटा सेम आए लेकिन वो चेंज तो हो रहा है ना तो देखते हम गेट डेटा में एक बार दबाऊँगा तो ये तीसरी बार चल रहा है ठीक है बाकी अगर मैं कुछ भी दबाता रहूं तो नहीं चलेगा वो सिर्फ गेट डेटा दबाऊंगा तभी चल रहा है है ना तो देख रहे हो क्या हुआ जैसे ही इसमें कोई चेंज हुआ तभी ये चलेगा मान लो मान लो मैं यहाँ पर एक नया यू स्टेट बना रहा हूँ ठीक है यू स्टेट में एक नया बनाता हूँ ठीक है जिसका नाम मैं ऐसा कुछ रख देता हूँ कुछ भी रख दिया मैंने इसका नाम ठीक है ठीक है एंड में क्या करता हूँ मैं गेट डेटा नहीं ऐड फ्रेंड ठीक है एड फ्रेंड क्लिक करने पे ऐड फ्रेंड कर, क्लिक करने पे सेट कुछ जो है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा उसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा ठीक है तो इसको रीलोड कर देते हैं ताकि एम हो जाए हमारे पास एक चला ठीक है हमने गेट डेटा दबाया हमें पता है कि हम गेट डेटा जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ही चलेगा ठीक है क्या हमारा हमने कहाँ लगाया था तो हमने सिर्फ यहाँ पे यूज़र डॉट डेटा यूज़ किया ठीक है कुछ यूज़ नहीं किया सेट कुछ हमने यूज़ किया राइट right? तो हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो अगर हम कुछ यूज़ करते हैं कुछ को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या ये, ये चलेगा एक बार चेक कर लेते हैं हम चेंज करते हैं तो तुम देखोगे एडिट तो आ गया लेकिन ये चला नहीं समझ रहे हो क्या सीन हुआ ये चला नहीं तो इसका मतलब क्या है हम स्टेट के हिसाब से यूज़ इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब चलेगा कब नहीं चलेगा अगर मुझे दोनों चीज़ों से चाहिए कि कुछ से भी चले और कुछ से भी चले एंड यूज़र डेटा से भी चले ठीक है तो मैं कुछ भी डाल दूँगा यहाँ पर कैपिटल है तो कुछ भी डाल दूँगा पे ठीक है अब देखते हैं अब क्या होगा गेट डेटा रीलोड करना तो उसे गेट डेटा चलाऊँगा तो चलेगा एड फ्रेंड चलाऊंगा तो भी चलेगा ये देख रहे हो तो भी चलेगा ये एड फ्रेंड दबाऊँगा तो भी चलेगा ये ऐड फ्रेंड तो में सेम है वो तो इसलिए चल रहा है ठीक है तो तुम समझे हो इस बात को कि हम कैसा इसको यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अब मुझे मेरा यूज़ केस क्या है मेरा यूज़ केस ये है कि जैसे ही कॉल जैसे ही यह पर्टिकुलर पेज ओपन हो ठीक है वो गेट हो जाए डेटा गेट हो जाए राइट तो मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं एक यूज़ केस ये बनाता हूँ यूज इफेक्ट बनाता हूँ ठीक है यूज़ इफेक्ट बनाता हूँ ठीक है यूज़ इफेक्ट बनाता हूँ मैं एक उसके अंदर मेरे पास एरे के अंदर मैं एरे को एम कर देता हूँ ठीक है एंड देन मैं यहाँ पर यह पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर देता हूँ ठीक है तो अब क्या होगा मैं जैसे ही रीलोड करूँगा ठीक है अपना आप डेटा आ जाएगा मुझे गेट डेटा दबाने दबाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अगर तुम्हें पेज लोड होते ही सबसे पहले कोई फंक्शन चलाना है तो तुम यूज़ इफेक्ट के अंदर एम में चलाओगे अगर तुम्हें हर चेंज पे फंक्शन चलाना है तो तुम ये हटा ही दोगे अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर स्टेट की चेंज पे चलाना है फंक्शन तो तुम उस स्टेट को यहाँ दे दोगे ठीक है ये होता है यूज़ इफेक्ट यूज़ इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशनस है यूज़ इफेक्ट को यूज़ करो यूज़ इफेक्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन तुम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो तुम इसके अंदर सेट स्टेट चलाओ कुछ भी करो जो मर्जी आया मैं करो ठीक है लेकिन कभी ऐसा मत करना कि तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ यूज़र डेटा दे दिया ठीक है यूज़र डेटा दे दिया तुमने ठीक है और तुम और तुम इसी पर्टिकुलर यू स्टेट के अंदर तुम यूज़र डेटा को चेंज कर रहे हो ठीक है इससे क्या होगा कोई बता सकता है मुझे इससे क्या होगा अच्छा तुम लोग से मैं पूछ ही कर रहा हूँ तुम लोग माइक थोड़ी ना ऑन करते हो क्या तो चलता रहेगा राइट क्यों क्योंकि यूज़र डेटा का इस यू स्टेट क्या करता है कि स्टेट जैसे ही चेंज होगा वो इस फंक्शन को चलाएगा ठीक है इसी फंक्शन के नाम हम वही स्टेट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा ये चेंज होगा ये चलेगा फिर दोबारा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हुआ तो ये चलेगा फिर दोबारा चेंज हो जाएगा है ना चलेगा तो चेंज हो जाएगा तो ये लूप में फंस जाएगा एंड देन तुम्हें एक एरर आ जाएगा जो एरर कहलाता है कुछ ऐसा रुको अब आ गया ये तो यूज़र डेट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन सॉरी रुको एक मिनट इसको सही कर देते हैं हम कोई है क्या मेरे पास डेटा एक मिनटों को तो मैं दिखाता हूँ क्या आएगा गेट डेटा करो गेट डेटा में कुछ नहीं आया इस डेटा के अंदर कुछ ऐसा कर देता हूँ मैं ठीक है ये एरे डाल देता हूँ ये ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं ये ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं कुछ ऐसा चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा जो डॉम है वो खराब ना हो ठीक है तो एक बार इसको रीलोड कर देते हैं सेट डेटा हो रहा है ठीक है इसको रीलोड कर देते हैं देखते क्या होता है नेटवर्क टैब में कुछ नहीं हुआ हाँ चलो ऐसा कर देते हैं गेट डेटा बेसिकली क्या करेगा गेट डेटा चलेगा गेट डेटा के अंदर एग्जॉस्ट कॉल होगा एंड देन उसके बाद वो सेट हो जाएगा राइट तो हम इसको एक बार रीलोड uh, कर देते हैं ठीक है तो वो चलेगा आ क्यों नहीं रहा कोई सेव नहीं हुआ यहाँ पे डेटा आया देखो डेट आई जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है आई जा रहा है देखो तो बड़े जा रहा है बड़े जा रहा है बड़े जा रहा है ना देखो देखो क्या होगा तो ये चीज़ हो जाएगा <clears throat> ये हमें नहीं चाहिए है ना ये हमें नहीं चाहिए ऐसा हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हम ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं करते जिससे हमें ऐसा कोई दिक्कत आए ठीक है हम एक ही हमें यहाँ पे एक ही बार गेट डेटा यूज़ करना है तो हम एक ही बार करेंगे हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाएंगे जिससे इस टाइप का कोई एरर आ पाए हमारे पास ठीक है एक ही बार कॉल होगा वो बिना डेटा पे क्लिक करे होगा है ना एकदम तो बढ़िया डेटा कॉल हो जाएगा तो इस तरह से हम काम करते हैं किसी डायनामिक वेबसाइट पे जैसे ही वो लोड होती है डेटा कैसे लोड होता है यूज़ इफेक्ट टाइप में हम कहीं पे लगा देते हैं ना वो काम कर जाता है ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत होगी भी तो तुम लोग क्यों बोलोगे बोलोगे तो नहीं तो ये होता है यूज़ इफेक्ट तुम्हें मैंने एक्सॉस्ट बता दिया ठीक है मैं लाइक एक्जॉस का इससे ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है ठीक है अब मैं तुम्हें बता रहा था ऑथराइजेशन राइट ऑथराइजेशन कैसे करते हैं ज़रा एक सेकंड पहले तो भव्य सर को मीटिंग में बुलाऊँगा ठीक है तो रिएक्ट uh, में बेसिकली मेन जो तुम्हारे चीज़ें सीखने वाली थी वो यही थी ठीक है एंड उसके अलावा बाकी उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चीज़ें सीखनी है तो चार चीज़ें वो जरूर सीख लेना ठीक है अगर तुम्हें रिएक्ट के अंदर तुम्हें फ्रंट एंड में जाना है आगे तो चार पांच चीज़ें हैं, वो चीज वो सीख लेना ठीक है एक है रिडक्स ठीक है रिडक्स सीख लेना ठीक है एक है यूज़ कॉन्टेक्स्ट वो सीख लेना ठीक है यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड रिडक्स एक ही जैसे है रिडक्स एक अलग लाइब्रेरी है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स का पार्ट है लाइक तुम यहाँ से ऐसा यूज़ कॉन्टेक्सट वो करोगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट तुम ऐसा इम्पोर्ट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ठीक है तो ये दो चीज़ें हैं जो सीख सकते हो तुम लोग ठीक है इम्पोर्टेंट है मतलब यूज़ रिडक्स तो सीख ही लेना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट तुम सीख सकते हो अच्छी बात है ऑनलाइन लिखना सब मिल जाएगा ठीक है बाकी जो दो चीज़ें और हैं वो तुम्हें मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करना ठीक है लाइब्रेरीज़ कैसे यूज़ करते हैं ठीक है लाइब्रेरीज़ कैसे यूज़ करते हैं जैसे मैंने सिखाया वैसा लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं ठीक है बाकी अगर तुम्हें सही में अपना लाइक बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुम्हें कुछ करना तो कैनवास ज़रूर सीखना कैनवास ज़रूर सीखना ठीक है कैनवस से बहुत सही सही शी चीज़ें कर सकते हैं हम मैं दिखाता हूँ कैनवस से हम क्या क्या कर सकते हैं मैंने बनाया है कैनवस से एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट ठीक है हाँ जी हम्म 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 और क्या बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति ठीक है कैनवास तुम्हें तो बताता हूँ कैनवस से तुम क्या क्या कर सकते हो कैनवस से ये मैं टेक्स्ट इमेज एडिटर बनाया था एक ठीक है एक मैं इसको लोड होने दो। तुम इमेज ऐसा लोड कर सकते हो इसमें ठीक है तुम चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो ठीक है बड़ा सही है ये दिखाता हूँ अभी तुम्हें ये लोड नहीं हो रहा कोई कुछ चलो ये तो अभी इन अंडर डेवलपमेंट ही है दूसरी चीज़ हाँ यार ये मेरा प्रोजेक्ट है दूसरा दिखा दिखाता तो मैं वीडियो में होगा तो ये बेसिकली वीडियो एडिटर बनाया था मैंने कैनवस कैनवास इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करा हुआ ये रहा कैनवस ठीक है तो तुम यहाँ पे तुम अपना ऐसा लाइक चीज़ें चेंज कर सकते हो ठीक है तो ये कैनवस पे हो रहा है सारा इमेजेस जो आ रहा है सारा कैनवस पे आ रहा है तुम ऐसा यूज़र उठाओ यूजर जिसका सा गोला कर दो उसमें कलर चेंज कर दो तुम्हें तो पीछे इमेज डालना तुम तो पीछे इमेज डालो ठीक है भाई ही, बहुत टाइम लगेगा ऐसा नहीं है मुश्किल है ऐसा नहीं है मुश्किल है ठीक है बेसिकली सीन क्या है सीन ये है कैनवास में बहुत चीज़ें कैनवास का कोड दिखाओ तुम्हें तो कैनवास में बहुत चीज़ें छोटी 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 बहुत चीज़ें जावास्क्रिप्ट नहीं है भाई एच में होता canvas, HTML है कैनवास एच का टैग है कैनवास टैग ठीक है लेकिन लेकिन ये जो मैंने यूज़ किया ये एक लाइब्रेरी है कैनवास के ऊपर बनी है उसका नाम है मैं नाम भूल गया कैनवास का कैनवास का लाइब्रेरी था भूल गया मैं फ्ले, फ्ले, आ, कोई फ, एफ से कुछ था दिखा मैं क्या था बड़ा सही है भाई कैनवस में तो बहुत कुछ कर सकते हो लाइक like, मज़ा ही आ जाएगा तुम लोगों को कैनवास सीखना अगर अगर तुम्हारा तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा तगड़ा ऐसा डीप में घुसना है उसके एंड तुम्हें ऐसा जादू टोना करना है लोगों के लिए तभी तुम घुसना वरना तुम्हें कैनवस ना भी सीखो तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है फैब्रिक फैब्रिक है उसका नाम फैब्रिक है उस लाइब्रेरी का नाम ठीक है फैब्रिक एक बार सर्च कर लेते हैं फैब्रिक फैब्रिक आ रहा है फैब्रिक जिया कैनवास लाइब्रेरी है ठीक है बड़ा सही है बहुत सही है इसमें दुनिया भर की चीज़ें आप इसमें कुछ भी कर सकते हो लाइक यार बहुत सही है चीज़ें उठाओ पेस्ट करो ऐसा एडमिशन डालो चीज़ें उठाओ आगे पीछे करो ये देखो आई एम ग्रूट ग्रुप ऐसा सजा रहा है ये सारा हमने यूज़ किया है ठीक है वो कोई शायद बैक एंड से कोई इशू आ रहा होगा जब भी वो लोड नहीं कर पा रहा डेटा को पीछे से ठीक है देख रहे हो ये ये बड़ा सही है कैनवस ठीक है फैब्रिक डॉट जी एस इसका नाम एच टी एम एल फाइव की लाइब्रेरी है ये रिएक्ट की भी नहीं है याद रखना इस बात को है ना ये चीज़ है सही देखने वाली चीज़ें कर सकते हो इरेजिंग टूल बना सकते हो ठीक है तुम ऐसा एनिमेशन बना सकते हो स्टिकमैन क्या है देखते हैं ओ वो नाइस ठीक है बढ़िया है एकदम कैनवस यही ये सारा देखो कैसे यूज़ होता है अपना मस्त अपना उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी बाकी लाइन अगर तुम्हें बनानी है तो मेक लाइन एक फंक्शन होता है तो लाइन बना देगा वो कितनी लाइन है छः है, तो यहाँ पर देखो कि छः लाइन होंगी एक दो तीन चार पाँच छः लाइन है देख लो बढ़िया चीज़ है है ना तो ऐसा है कैनवस जैस बाकी बढ़िया लगता है ये मैं देखना चाह रहा हूँ ये इमेज क्यों नहीं चल रहा कोई दिक्कत आ रही क्या बात से हाँ चल रहा देखो ठीक है अब ये चीज़ है मैं कैनवास जस से इसको कहीं भी ऐसा हिला सकता हूँ धुला सकता हूँ ठीक है देख रहे हो बढ़िया है एकदम तो ये बेसिकली इसका यूज़ केस क्या था थंबनेल था? थमनेल वीडियो का थंबनेल पर्सनलाइज़ करने के लिए मुझे ये चीज़ बनाना पड़ा था ठीक है लोगो यूज़ करना तो तुम लोगों यूज़ कर लेना बाकी ये अपना टेक्स्ट एडिटर है इसका एक बढ़िया चीज़ है देखो हमने क्या किया है ये एंटर टेक्स्ट ये ना एंटर टेक्स्ट तो अगर मैं इसको टॉप पे तो पहुँचाऊँ नहीं ठीक है इसको अनटाइटल इमेज पे एंड में पहुँचाऊँ भाई ये जो चीज़ था ये ये चीज़ तो बनाने में भाई एक महीना लग गया था मुझे ठीक है बाकी ये जो बाकी प्रोजेक्ट था इसमें यार वीडियो एडिटर बनाने में हमें दो महीना लगा ठीक है वीडियो एडिटर में बहुत काम था बहुत ज़्यादा काम था फ़्रंट एंड बैक एंड ठीक है ये एक था टेक्स्ट एडिटर ये था हमारा वेबसाइट एडिटर एडिटर वेबसाइट एडिटर बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें पंद्रह बीस दिन लग गया था वेबसाइट एडिटर बनाने में ठीक है इसका वेबसाइट एडिटर बनाया था हमने अपना मस्त जो चीज़ें डालना है डालो नहीं डालना मत डालो ठीक है भाई मैं जॉब करता था भाई वो मेरे को हर महीने पे करते थे हाँ बाकी तू तो देखना चाहे तो ये समझ ले मैंने चार महीने में पी एस फाइव ले लिया था अपने पैसों से ठीक है तो ये है रिएक्ट रिएक्ट में आप क्या कुछ नहीं कर सकते ठीक है ये अभी जितना मैंने समझा है ये इतना मैंने आपको करा दिया कि, कि अगर आप इन सारी जो भी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई है ना अब तक इन सारी चीज़ों को अगर आप मिल मिला के बनाओगे ना तो आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हो ठीक है तो आप लोगों का जो असाइनमेंट सिक्स है वो ये है कि आपको रिज्यूम में बनाना है अपना पूरा रिएक्ट यूज़ करके ठीक है अब जो होगा अब अब हम क्या करते थे अब हम तो डिज़ाइन में हमने कमी छोड़ दी कोई बात नहीं अब डिज़ाइन में कमी नहीं होनी चाहिए ठीक है अब होना चाहिए एकदम एक नंबर चीज़ लाइक देखे और बंदा भाई कहे भाई ये है रेज्यूमे ठीक ये है रेज्यूमे ठीक है एंड रिज्यू में हम चेक करेंगे जब हम अपना जैंगो कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो आपके पास कम से कम एक से दो हफ्ता होगा ये करने के लिए पूरा लाइक like, करने के लिए ठीक है हमारे पास जेंगो में इतने असाइनमेंट्स नहीं आएंगे ठीक है क्योंकि वो बहुत ईजी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ठीक है तो हमारे पास जेंगो में इतनी चीज़ें नहीं आएंगी ठीक है मतलब जेंगो में इतने असाइनमेंट्स नहीं आएंगे मैं बस ये कहूँगा कि जितना हमें जितना हमने यहाँ पे क्लास में रह कर किया है उतना बस रिवाइज करना है हद से हद मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ पे भाई दो कॉम्पोनेंट बनाया तुम एक कॉम्पोनेट और बना दो दो कॉम्पोनेंट और बना दो कॉम्पोनेट बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तुम देखोगे कि कितना इजी हो जाएगा जंगो थोड़ी कुछ टाइम के बाद शुरुआत में तो तुम लोग और नहीं नहीं जैंगो यूज़ नहीं करो तुम रेज्यूमे में क्या करोगे बैक एंड है ना ये रेज्यूमे में तुम्हारा है ना जेंगो वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर एंड होगा ठीक है एंड तुम रिएक्ट से अभी जो हम जिस जैंगो पर हम काम करेंगे ना वो तुम रिएक्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हम्म तो हम क्या करेंगे हम जैंगो के अंदर ही एच यूज करेंगे ठीक है जैंगो के टाइम पे बताएंगे यार ठीक है? हैड का फ्रेमवर्क होता है जैसे रिएक्ट है ना फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है ना फ्रंटेंड हम इसमें इजीली मतलब हम इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं है ना फ्रंट एंड में रिएक्ट के लिए रिएक्ट को यूज़ करके है ना वैसे ही एंड बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि ईजीली एंड बनवा सकता है हमसे ठीक है पहले से हमें चीज़ें देता है ठीक है ईजी होता है वहाँ पर चीज़ें बनाना ठीक है आपको सिर्फ कोड लिखना होता है शुरुआत में सिर्फ समझने में दिक्कत आएगा लेकिन अगर एक बार तुम लोग समझ गए जेंगो को समझ गए एक बार तुम तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बड़ा ज़बरदस्त ब्याकरण बनाना से ठीक है तो मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए चीज़ तुम्हारा तुम्हारा होना चाहिए लॉजिकल बहुत तेज़ ठीक है लाइक कि तुम्हें पता हो कि भैया मुझे यूज़र को क्या क्या देना है मुझे यूज़र से ये चीज़ मिले मुझे तुम मुझे कैसे करना चीज़ है चीज़ें तुम्हें ये चीज़ होना चाहिए बाकी तुम नॉर्मल पाइथन लिखोगे उसमें और कुछ नहीं लिखोगे ठीक है पाइथन तुम्हारा तुम में से किसको पाइथन आता है ये बताओ थोड़ा बहुत भी आता है बढ़े एकदम बेसिक कोई बात नहीं बेसिक ही चाहिए बेसिक से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें रिएक्ट में जैसे तुमने देखा बेसिक से ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए हाँ और क्या और क्या, क्या? लॉजिक हर चीज़ डिफ एक एक भी चीज चीज़ डिफरेंट नहीं होगी सारी चीज़ें सेम होंगी बस और क्या एकदम 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 सही ठीक है बस इसमें स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह नहीं होंगे जो तुम खुश हो जाओगे वो माई गॉड स्प्रेड ऑपरेटर नहीं है यस ठीक है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में यूज़ होगा ऐसा कुछ नहीं है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है चीज़ों में देख रहा हूँ मैं ठीक है अब हूँ ठीक है अब देखते हैं अब कौन मेरी कितनी इज्जत करता है मैं जिसका नाम लूँगा वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा एंड वो दिखाएगा हमारा हमें अपना असाइनमेंट फाइव ठीक है क्योंकि बीस तारीख तक का टाइम दिया था मैंने काफ़ी लोग हैं जिनका हुआ काफ़ी लोग हैं जिनका नहीं हुआ ठीक है तो जो नहीं हुआ उनको हम क्या करते हैं उनको हम हेल्प करते हैं कि कहाँ पे वो करें ठीक है मैं ही अकेला जवाब नहीं दूंगा तुम सारे देखना तुम सारे उनको हेल्प करना ठीक है भाई तूने ये गलती की है तो ऐसा भी कर सकता था ठीक है बताना शुरुआत करते हैं हम आफरीन से क्योंकि मेरे स्क्रीन पर सबसे पहला नाम आफरीन है अब असाइनमेंट फाइव आपने कंप्लीट किया कितना कंप्लीट हुआ शो कर सकते हो आप हमें करो ना कर दो ठीक है कर लो कर लो आप एन पी एम स्टार्ट ठीक है सारे लोग अपना जिन जिनको शो करना है वो सारे एन पी एम स्टार्ट करके रखो जिनको कहना है कि भाई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मैं शो करना चाहता हूँ एन पी एम स्टार्ट करो जिनका कंप्लीट हो गया है वो सारे एन पी एम स्टार्ट करो ठीक है जल्दी जल्दी सारे अपने पी सी में एन पी एम स्टार्ट करो उन्नति को तूने शुरुआत भी नहीं की क्यों भाई पता नहीं क्या नहीं पता तेरे से कल मैंने क्या पूछने को बोला था कि मैं तेरे से ये पूछूंगा हाँ एट द रेट मीडिया यस हाँ हाँ ठीक है पढ़ा तो ना उसके बारे में ठीक है स्क्रीन शेयर करो सबको बता कि एट द रेट मीडिया क्यों यूज़ करते हैं हम सी एस एस में सबको बता सारे जितने ये बता रहे तो मैं उतने सारे के अपना एन पी एम स्टार्ट करके रखूँ ठीक है जल्दी जल्दी करना टाइम नहीं है मेरे पास एक बजे तक ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं क्लास आज ब्रेक नहीं दिया वैसे भी मैंने जो अभी भी आए हैं क्लास में एनपीएम स्टार्ट करो सब अपना असाइनमेंट फाइव का आज अभिजीत तुम्हें बताएगा कि एट द रेट मीडिया क्यों यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है ठीक है एग्ज़ाम्पल से समझाना वेब ब्राउज़र से मतलब बता भाई क्या होता है इस कम ज़्यादा वेट क्या होता है ये बता लोगों को कहां पे आएगा? दिखा करके दिखा मैं, हमें समझ नहीं आया थे सेव की तो फाइल करके दिखा भाई मुझे फाइव हंड्रेड पिक्सल देखना है मुझे यहाँ नहीं मुझे दिखा ना कैसे होगा वेब वे, वो है ना तेरा वेब ब्राउजर उसका साइज छोटा कर दे भाई सुन तू साइज़ छोटा करना आता है ना तेरे को एक स्क्रीन एक एक पर्टिकुलर टैब का एक पर्टिकुलर विंडो का साइज़ छोटा कर ऐसा नहीं ऐसा नहीं भाई तू मिनिमाइज मैक्सिमाइज करता है ना वही करना है इसको छोटा कर लाइक जो स्क्रीन पर रहे लेकिन वो बक्सा में आ जाए पता नहीं क्या कर रहे थे देर से प्लस माइनस प्लस माइनस दबाया जा रहा है भाई इसको इसको हंड्रेड परसेंट कर तेरे को पता है ना मिनिमाइज के साइड में जो बटन उससे है उससे बक्सा बन जाता है छोटा सा हाँ ये क्या होता है इसको क्या है? कहते हैं मिनिमाइज कहते हैं इसको हाँ दबा इसे हो गया छोटा हाँ तो अब देख आया वो चेंज जो तूने करा था छः सौ से बड़ा है क्या ये छः सौ से छोटा है क्या ये को कैसे पता है छः सौ है कितना है कैसा पता होगा तो सबसे छोटा कर दे ताकि छः सौ से अंदर ही आया वो और दिखा क्या चेंज किया तुमने दिखा भाई मैंने कहा था ना ढंग से पढ़ गया ये उसे लेकिन क्या हुआ हो क्यों नहीं तूने चेक नहीं किया क्या करके कि कैसा दिख रहा है हम्म बता भाई कुछ तो बोल तो क्या नहीं दिख रहा दिखा ना भाई मुझे वही तो देखना चाह रहा हूँ क्या चीज़ है जो तू कह रहा है दिखेगा दिखेगा नहीं दिखा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे क्या चीज़ है वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर अपनी एक बार बताऊंगा बस मैं ये एट द रेट मीडिया ठीक है ध्यान से जिसने समझला समझ लिया उसके बाद मेरे पास बताना देखो इधर, ऐट द रेट मीडिया को हम कहते हैं मीडिया क्वेरी ठीक है इसको कहते हैं मीडिया क्वेरी ऐट द रेट मीडिया की क्वेरी बेसिकली क्या होता है तुम नॉर्मल स्टाइल कुछ भी लिख दो ठीक है वो तो हर जगह पे काम करेगा राइट यहाँ से यहाँ तक मैं इसने बैकग्राउंड येलो कर रखा है ठीक है अगर मैं इसको गायब कर दूँ ठीक है रन कर देता हूँ तुम तुम ऐसे ही डालते हो ना इस मीडिया को मत देखो तुम ऐसे ही डालते हो है ना नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें करते रहते हो तुम आगे में जाओ बड़ा करो स्क्रीन लाइक लाइक कैसा तुम्हारा स्क्रीन है तुम इसको छोटा भी करोगे ठीक है तो भी ये रहेगा ना ठीक है तो क्या ये बेसिकली विड्थ है ना इसकी तो यही चीज़ हम देखते हैं ठीक है अब मीडिया क्वेरी क्या करता है मीडिया क्वेरी क्या करता है कि हम ना मीडिया क्वेरी में मैक्स विड्थ डालते हैं कि इतने पिक्सल तक ही ये काम करे ठीक है इसके इतने पिक्सल के अंदर इसके अंदर जो भी वो होगा ना ये इसके इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर ये देख रहे हो ये जो ब्रैकेट यहाँ तक ये तो मीडिया को रही ये जो इतना हिस्सा है इसके अंदर जितना भी स्टाइल होगा ना इसके अंदर जितना भी स्टाइल होगा वो तभी चलेगा जब जब वो जो हमारा विंडो होगा ना वो 600 से ज़्यादा होगा 600 से कम होगा सॉरी 600 से कम होगा राइट ठीक है इतना हम समझे कि एट द रेट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड को अभी भूल जाओ ओनली स्क्रीन एंड को अभी भूल जाओ ठीक है तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है ऐट द रेट मीडिया ये सी एस एस तभी चलाए जब विर्थ का विर्थ हो विथ हो छः सौ से ज़्यादा मैक्स मैक्स वर्थ मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने मैक्स वर्थ मतलब 600 सौ से अगर छः सौ पिक्सल तक है विर्थ तभी चलाओ ये उसके ऊपर जो है उसके ऊपर नहीं चलाना ये उसके ऊपर जो भी अगर सी है तो चले नहीं है तो ना चले ठीक है यहाँ पर हमारे इस केस में है यहाँ पर सी ठीक है तो अगर मैं मान लो ये 600 से कम है इतना 600 सौ देख लो रिज़ल्ट साइज यहाँ पे 600 आ रहा है इससे एक आगे करूँगा मैं सिक्स हंड्रेड फोर पहुँच गया सिक्स वन तक भी कुछ नहीं हो रहा सिक्स हंड्रेड पर क्या हुआ 600 पे ये चेंज हो गया कलर क्यों क्योंकि बैकग्राउंड स्टाइल पहले येलो था उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होगा ठीक है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में क्यों क्योंकि जो फ़ोन के वित होते हैं ना फ़ोन के विरत होते हैं बहुत छोटे लाइक 600, 800, 900 तक पहुँचते हैं ठीक है तो हम मीडिया को ही देते हैं कि भैया 600 सौ वर्थ हो तो मान लो हमने पहले कर रखा हो हमने कर रखा हो जैसे याद था अभी मैंने सिखाए थे एक रैप सिखाया था यहाँ पर मैंने डाला था रैप फ्लैक्स रैप डाला था यहाँ पर मैंने है ना ये आया डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप ठीक है तुम्हें इसका मैं तुम्हें तो वो दिखाता हूँ बेसिकली फ्लेक्स रैप को अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इसको छोटा करता जाऊँ तो ये तो सही काम कर रहा है राइट लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूँ फ्लेक्स रैप हटा दूँ दिखाता हूँ तो मैं करके दिखाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं समझ आएगा कहेंगे फॉर्म इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्सेप्ट एक्स ठीक है फ्लैक्स रैप यहाँ से हटा देता हूँ मैं एक अपने अप, अपने अलग सी एस एस बना देता हूँ चेक मीडिया ठीक है मीडिया चेक करने के लिए मीडिया की स्पेलिंग क्या होती है एम ई डी आई ए मीडिया चेक करने के लिए मैंने क्लास बनाया ठीक है इसको सेव कर दिया मैं अपने इस पर आता हूँ ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स ठीक है एंड मैं यहाँ से फ्लैक्स हटा देता हूँ ठीक है अब बेसिकली क्या करेंगे हम हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देना यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स आ रहा है राइट तो अब क्या होगा ये नॉर्मली उस तरह काम कर रहा है है ना तो अब हम क्या करते हैं हम एक चीज़ करते हैं ये तो बटन है ना ये बटन ये दबाते तो हैं ठीक है ये बटन दबाने से क्या होता है ये ना हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव मोड में भेज देता है हम बड़े आराम से हम बड़े आराम से अपना विथ वगैरह सेट कर सकते हैं तुम रिस्पॉन्सिवनेस देखोगे कि क्या है मैं इसको छोटा कर सकता हूँ इसको बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको फ़ोन के हिसाब से ला सकता हूँ इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर तुम आईफोन सिक्स का देख सकते हो मोटो जी का देख सकते हो आईफ़ोन एक्स का देख सकते हो ठीक है ये देखो काफ़ी स्क्रीन साइजेज होते हैं जो कि स्टैंडर्ड फोन के स्क्रीन साइजेज हैं ठीक है तो तुम ऐसा चेक कर सकते हो यहाँ से आ, तुम अपना बनाना चाहो तो अपना बना सकते हो ये मैंने अपना बना रखा है मैक वाला ठीक है बेसिकली ये आ, जो भी मैकबुक होता है उनका बेसिक साइज़ है ये ठीक है तो ये है चीज़ अब क्या सीन है मैंने देखा कि iPhone एक्स जो है वो शुरू हो रहा है थ्री सेवेंटी फाइव पर ठीक है तो मुझे थ्री सेवेंटी फाइव पर ऐसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक के नीचे एक के नीचे एक ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे लगाऊँगा मीडिया क्वेरी एट द रेट मीडिया एट द रेट मीडिया मैंने मैक्स विट दे दी मैंने मैक्स विट क्या दी थी मैंने मैक्स फिट दे दी वही जो मुझे तो चाहिए थी यहाँ पे क्या चाहिए थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है थ्री सेवेंटी फाइव दे दी मैंने पिक्सल ठीक है अब क्या होगा इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा ना वो तभी काम करेगी जब वो तीन से कम होगा ठीक है तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर मैं डिस्प्ले आ, इन कर देता हूँ ओके okay, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता सॉरी इसके अंदर आप देते हो वो पर्टिकुलर क्लास जो आपको यूज़ करना होगा ठीक है मान लो आपको मल्टीपल क्लासेस यूज़ करनी है आपको यूज़ करना है कि इसका इसका ये यूज़ करना है आपको देखना है कि भैया ये तीन सौ के अंदर कुछ बड़ा हो जाए कुछ छोटा हो जाए ऐसा ऐसा आप मल्टीपल क्लासेज भी यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको थ्री के अंदर ही यूज़ करना थ्री सेवेंटी के अंदर कोई चीज़ इतनी हो जाए तो आप सारा उसको थ्री के अंदर ही रखोगे ठीक है मैं चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले फ्लैक्स ना रहे वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाए इनलाइन ब्लॉक हो जाए ठीक है अब देख लेते हैं क्या होगा ठीक है तुम देखोगे क्या हुआ यहाँ पे यहाँ देखना चेक मीडिया है चेक मीडिया में दिखा रहा है इनलाइन 75 एंड उसके नीचे जो मीडिया था डिस्प्ले फ्लेक्स वो कट चुका है देख रहे हो अगर मैं इसको बड़ा करूं अगर मैं इसको बड़ा करूं तो क्या होगा देखो ना ये 375 से आगे जाते ही वो 375 से अंदर आते ही वो पर्टिकुलर यूज़ हो गया अगर मैं बाहर जाऊँ उससे तो नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से तुम डिज़ाइनिंग कर सकते हो मल्टीपल स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन साइज़ के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन दे सकते हो अपने ऐप का ठीक है अभिजीत अब अब समझ आया ते ठीक है नीचे से शुरू करते हैं आई होप नीचे से बच्चे ढंग से कुछ काम कर रहे होंगे भावेश भाई माइक ऑन कर अपना और बता असाइनमेंट फाइव किया नहीं किया क्या तुमने कोई वो बनाया क्या क्या आज रोहान सर को हम एक जवाब नहीं देने वाले हाँ जी हाँ जी हाँ जी कितना बाकी है ये बताइए अच्छा जी आज तक हो जाएगा लोग तीन तीन दिन से कर रहे हैं लोग तीन तीन दिन से कर रहे हैं तो कह रहा आज रात को हो जाएगा कॉपी बेस करेगा क्या कर भाई इसे कंप्लीट करें यार तुम्हारे लिए बैठा हूँ जानवर शुरू करनी है मुझे रियक्ट खत्म करा दिया आज मैंने एसटी इतने बड़े बड़े वर्ड इतने छोटे छोटे बच्चे साक्षी अपना माइक ऑन करो कहाँ थे पहले जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा था मैसेज लिखा नहीं आता मैसेज लिखा नहीं आता सर माइक नहीं चल रहा असाइनमेंट फाइव बनाया तुमने दिखाओ कैसे लग रहा है सबको सही लग रहा है कैसे लग रहा है सबको सही लग रहा है ये बढ़िया लग रहा है ब्लैक स्वान। ठीक है नीचे कर। सही कराया तूने सही लग रहा है नहीं कोड दिखाओ आसानी से कैसे छोड़ दूँ? बैनर वन बैनर टू बैनर थ्री काफ़ी अच्छा तुमने मॉड्यूलेशन कराया इसका आई नई लाइक लाइक इट कॉम्पोनेंट वन के अंदर ठीक है नीचे फुटर फॉर्म बहुत अच्छा ठीक है app.js डॉट जी एस बढ़िया एकदम ठीक है ये एरर जो आ रहे हैं वार्निंग्स जो आ रही है वो हटा दियो सारी ठीक है मैं पढ़ पढ़े ना इन्हें पढ़ क्या लिखा है देख पढ़ क्या लिखा है हाँ तो देखना कहाँ लिखा है ऐप डॉट जी में कह रहा है कि भैया ऐप तूने यूज़ करा है लेकिन तूने कभी यूज़ नहीं किया देखना कहाँ लो लोगों कहीं यूज़ किया तूने यहाँ पे हाँ तो यही तो करना है पढ़ना है सॉल्व करना है कर पाएगी पढ़ के, के सॉल्व अच्छा ये सेकंड वाला कर सेकंड वाला कर कहाँ है यूज़ किया तो ना पहले नंबर पे जो लोगों है वो यूज़ किया कहीं हाँ तो बस कमेंट कर दे नहीं यूज़ करना ठीक है अब अब देख दूसरा क्या लिखा है इम्पोर्टेड जे एस एक्स क्या मतलब है इसका पढ़ 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 के समझ आ रहा है मस्ट बी इन पास्कल केस और स्क्रीम स्नेक केस तूने अंडरस्कोर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे कभी अंडरस्कोर यूज़ करने को मैंने ये क्या ऐसे ही यूज़ किया, किया था क्या ऐसे यूज़ किया था मैंने ओह मुझे भी यही सेम एरर आ रहा है नहीं आ रहा नहीं आ रहा मुझे एरर मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया इसे मैंने नहीं यूज़ किया मैंने ये पर्टिकुलर लिस्टिंग ही यूज़ नहीं की मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था आई गेस मिस कॉम्पोनेंट के अंदर मैंने टीम स्लाइडर लिखा हुआ है उसको लिस्टिंग रिएक्ट लि, लिस्टिंग रिएक्ट को मैंने इन्फो बैनर लिखा हुआ है यार इन्फ़ो बैनर लिखा हुआ है मैंने वो मैंने बीच में कहीं मेरा दिमाग चला होगा मैंने कर दिया होगा उसको सही ठीक है तो ये बेसिकली यही चीज़ है ठीक है देखना इसको क्या लिखा हुआ है तो तू पढ़ेगी तेरे को समझ आ जाएगा ठीक है एच का मैं बता देता हूँ एच वाला ये ट्वेंटी सिक्स पे जो है ये ये नहीं इसके नीचे आ ना नीचे एयर एडमी ट्वेंटी सिक्स ठीक है इसमें क्या रहा है कि भैया जो हैश जो तुमने एच यूज़ किया है वो उसमें दिक्कत है ठीक है तो एक काम कर इस पर्टिकुलर फाइल पर जा इंडेक्स डॉट ये जी एस एक्स बैनर फाइल के फाइव के अंदर जो इंडेक्स डॉट जी एस एक्स इस पे जा एंका टक देखा एंकर टक यहाँ पर तुने हैश यूज़ किया ना जिस भी एच के अंदर तूने हैश यूज़ किया उसकी जगह तो नॉर्मल स्लैश लगा दे कहाँ है देखा ये वाला यस ये सारे एरर चले जाएंगे सारे एच एन एफ वाले जिन जिन में एच एन एफ लगाया है, तो वहाँ पर तो ऐसा स्लैश लगा दे सारे एरर चले जाएंगे ठीक है बाकी तो पढ़ती रहे कोई आसान एरर आया तो मतलब पढ़ के समझ आ जा जाएगा तेरे को ठीक है वरना नहीं आएगा ठीक है थैंक यू बहुत अच्छा बनाया तुमने ऑल द बेस्ट कीप इट अप आनंद भाई कर ले तो पता है आनंद सबसे पहली बार मैंने नाम सुना था मुन्ना भाई में उसके बाद दूसरा नाम सुना मैंने तेरा आनंद का? आनंद का आनंद बस नाम है आनंद जल्दी प्रेजेंट कर यार टाइम नहीं है मेरे पास बच्चे भूखे हैं मेरे को पढ़ना भी है कल एग्जाम है मेरा यस yes, प्रो बढ़िया एकदम सही लग रहा है कलर बहुत अच्छे है उसके देखो पिंक कलर पसंद है क्या शायद तेरे पुराने वाले उसमें भी पिंकिश पिंकिश था सब कुछ ठीक है बढ़िया लग रहा है लेट स्टार्ट अच्छा सही रुक 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 धीरे 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 देखने तो दे भाई ठीक है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, सही है, सही है, सही है। डिफॉल्ट किसी ने कॉन्टैक्ट अपने आप से नहीं बनाया सब ने वही कॉपी किया जो मैंने बनाया था बढ़िया कोई बात नहीं तूने ये इमेज चेंज कर दी या तूने बैकग्राउंड चेंज कर दिया ठीक है अब 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 आ रहा है वो जो कलर का इशू आ रहा था वो जैसा टेम्परेट जो वो आ रहा था है ना चल बढ़िया ठीक है स्लाइडर सही काम कर रहा तुम लोगों का स्लाइडर सही है सब बढ़िया यूज़ किया स्लाइडर ठीक है इमेज ज़्यादा डाले हैं गुड स्टेट कहाँ कहाँ यूज़ किया तूने अच्छा करा ही नहीं चल कोई दिक्कत नहीं करियो कभी करियो ठीक है करियो कभी करियो नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ एकदम एंड में आ जाओ ठीक है ये जो फॉलोअर्स है ना फॉलोअर्स के आजू बाजू में जो भी ये हैं आइकन्स के अंदर हाँ यहाँ पे सारा पैडिंग शैडिंग लगाना है तेरे को ठीक है कर दियो सही है आसान से कर लेगा पैडिंग अदा मार्जिन यूज़ करने आती आती है देख को ठीक है सही है यार कोई इशू नहीं यार ठीक है एक बार वो दिखा कोड दिखा दे मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं